हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपका फेस्टिव वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, मैं हूं शुभम ननवाना, आपका फिजिक्स एजुकेटर, और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और शानदार लेक्चर लेकर के। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में क्या होने जा रहा है? बच्चों, आज हम कवर करने जा रहे हैं वेक्टर्स का सेकंड पार्ट। ये बच्चों, दो बार से ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था समहाउ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, तो आज ये लेक्चर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ और ये रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है बच्चों। तो आप इसे तसल्ली से आराम से पूरा देखें तो आपका वेक्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है बेटा और ये सेकेंड पार्ट आ रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर आपका वेक्टर पूरा कवर हो जाता है। और कितना इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, इसकी हम बार बार चर्चा पहले के सेशंस में भी कर चुके हैं। इसीलिए हमने पहले मैथमेटिकल टूल यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं जो कि नीट फिजिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो सब हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, एक लेक्चर हो गया था, काफी सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो गई थी, हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक पहुंच गए थे। और अभी जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन बाकी है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो वो इस सेशन में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चों। इस सेशन में ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि आपका वेक्टर पूरी तरीके से कवर अप हो जाए। आने वाले जो भी सेशंस रहेंगे उसमें आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रिमेम्बर बेटा, हैशटैग बचपन का प्यार, क्योंकि वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स नीट फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बचपन का प्यार ही है। इसे भूलना नहीं है, हमें इसे बिल्कुल संभाल कर रखना है और इसे बार 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 प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स आपके फिजिक्स में होंगे उसमें मैथमेटिकल टूल और वैक्टर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो वहां पर हमें ये सारे एप्लीकेशन करने। ठीक है बेटा, तो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके, सिर्फ यहाँ पर 5 मिनट में लेने वाला हूँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ में शेयर करनी है, कुछ अनाउंसमेंट शेयर करनी है, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे हमारे टॉपिक के, हमारे वीडियो के मेन पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। चलो बच्चों, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते। तो बेटा, यहाँ पर जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं या नए चैनल पर आए हैं उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बच्चों, पिछले 6 सालों से भी ज्यादा टाइम से मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में कोटा के नीट और जीई के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बेटा। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने अनअकैडमी के साथ में ज्वाइन किया है और यहाँ पर इस चैनल पर जिसका नाम है नीट अकेडमी, यहाँ पर मैं आ गया हूँ बच्चों। और उम्मीद है यहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी डेवलप होगी और मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बच्चों, आप लोगों को सिर्फ एक काम जरूर करना है, मेरा जो अनअकैडमी प्रोफाइल है बच्चों उसे आप फॉलो कर ले, शुभम ननवाना के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। उसको फॉलो करने से बेनिफिट ये होगा बच्चों कि अभी मेरी वहां पर काफी सारी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस आती रहती हैं, तो अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको उन क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों को क्लासेस जो है एक पूरा मंथ का या पूरा ईयर का शेड्यूल नहीं होता है, वो 2-3 दिन पहले ही शेड्यूल की जाती है, तो नोटिफिकेशन मिलने से आपको उसके बारे में पता लग जाता है और आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके कुछ डाउट्स हैं रिलेवेंट टॉपिक के तो वो भी आप क्लास के दौरान पूछ सके। तो लाइव क्लास में ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है, तो इसलिए आपने फॉलो जरूर कर लेना है। इसके अलावा बच्चों, बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा है और इस चीज की कुछ खास बातें हैं, इस टेस्ट सीरीज की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये होगा, यानी कि दोनों के छात्रों को कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से, आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 टेस्ट का ये सीरीज रहने वाला है बच्चों, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह की टेस्ट सीरीज के लिए आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ अकेडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज ला रहा है। 28 अगस्त से ये स्टार्ट है, तो आपने एनरोल कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दिया कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है अपने आप को, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है आने वाला उसमें आप अपने आप को कहाँ देख सक रहे हैं या क्या इंप्रूवमेंट की और जरूरत है, जो भी छोटा मोटा टाइम बचा हुआ है उसमें और क्या आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इन पेपर के एनालिसिस के बेस पर, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज होने जा रहा है बच्चों, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लेना, और एनरोल करने के लिए सिर्फ सर का नाम इस्तेमाल कर लेना है, SNB सर, ये कोड आप
आप अप्लाई कर दें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर पाएंगे। ये इसका शेड्यूल ऑलरेडी आपके सामने अवेलेबल है। तो बच्चों, सभी नीट 2021 के एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देना जरूर है आपने, क्योंकि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देना है और ऑल इंडिया लेवल का है। अकेडमी की रीच आप लोगों को पता है बच्चों, तो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होगा, तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन आपको फाइट करने मिलेगा और उससे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ जो सिली मिस्टेक्स या एरर्स हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और वो डेफिनेटली आपके मेन एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। बच्चों, इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अनअकैडमी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और नई चीज लाया है, न्यू आइकॉनिक। ठीक है, न्यू आइकॉनिक में क्या हो रहा है बच्चों, अनअकैडमी के दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आते हैं यार, प्लस वाला और आइकॉनिक वाला। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, 1-to-1 लाइव डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग सेशंस, साथ ही साथ फिजिकल नोट्स आपको घर बैठे डिलीवर हो जाते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट तो मिलते ही हैं। तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है बच्चों। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग की बात करें यार, तो एक बहुत मेजर इशू है और आज के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद एप्लीकेशन हम नहीं करेंगे और उसके बाद जो डाउट आएंगे वो जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगे, एक पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होता है किसी भी टॉपिक या चैप्टर का। और जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो डाउट सॉल्विंग इज अ मेजर इशू, उसी को एड्रेस कर रहा है अनअकैडमी। और इसमें आपको क्या करना है बच्चों कि आप यहां पर 1-to-1 लाइव मेंटरिंग सेशंस अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी कि आपका जो एग्जाम है जिस स्टैंडर्ड में आप हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फिर आप अपने सेशंस बुक करा सकते हैं जहां पर आपके मेंटर्स आपको ऑडियो कॉल पर, यानी कि आप ऑडियो कॉल पर होंगे, स्क्रीन आपके सामने होगी, आपके मेंटर्स उस स्क्रीन पर आपको सारे डाउट्स जो भी आपके रहेंगे वो सॉल्व करके बताएंगे, एड्रेस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं, न्यूमेरिकल डाउट्स हैं, किसी भी तरह के डाउट है तो वो सारी चीज एड्रेस की जाएगी बच्चों, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अलावा यार, अनअकैडमी के नोट्स आपको मिल जाते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जैसा मैंने बताया, और ये नोट्स बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इनके सैंपल देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के नोट्स हैं, क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। अदरवाइज ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं, तैयार किए हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, और साथ ही साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीडबैक लिया गया है, उन्होंने भी ये नोट्स रिव्यू किए हैं, यानी कि आप ही लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स तैयार किए गए हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ये नोट्स आपके लिए मैक्सिमम हेल्पफुल हो सके। ठीक है बेटा, और ये मिल जाते हैं यार अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12, 18 या 24 मंथ का, आपको घर बैठे डिलीवर हो जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें भी ये नोट्स एक्सेसिबल होंगे, लेकिन उनको ये नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है अनअकैडमी का उसके थ्रू एक्सेस करने होंगे, उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। और वहीं प्राइजेस की बात कर लें यार, तो अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों वो आपको पड़ता है यहाँ पर अराउंड 50,000 फॉर 24 मंथ, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर आप नो कॉस्ट EMI अवेल कर सकते हैं, पर मंथ प्लान्स जो है वो अवेल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए भी ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे 12, 18 या 24 मंथ। 24 मंथ वाला थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव उनको पड़ता है। इसके अलावा बच्चों आप एडिशनल 10% डिस्काउंट की प्राप्ति कर सकते हो, आपको सिर्फ ये कोड लगाना है SNB सर, सर का नाम लिखो और 10% एडिशनल डिस्काउंट जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे उस पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों काफी बच्चों को फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी का एक बहुत ही क्रिएटिव इनिशिएटिव है, ये आपके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम लेकर आया है। इसमें जो नीट 22 और 23 के एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जिनके पास 1 से 2 साल अभी है समय, तो उनको ये सब्सक्रिप्शन किस तरह से अफोर्डेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, अनअकैडमी क्या हेल्प कर सकता है, तो उस बारे में आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा बात करें यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो मैंने बताया कि प्लस के अलावा एडिशनल बहुत सारे फीचर्स आइकॉनिक में होते हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी है। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है अराउंड 1 लाख फॉर 24 मंथ यानी 2 साल का। इसमें भी 12 और 18 मंथ के प्लान अवेलेबल हैं, पर मंथ पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI है। अगेन यू कैन एडिशनली अवेल द 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कोड SNB सर, सर का नाम जरूर लिखना है बच्चों अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है। तो बच्चों आप अफोर्ड अगर कर सकते हैं तो ये बेस्ट चीज है जो कि अवेलेबल है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली we are talking about the NEET UG year, तो ये iconic subscription आपकी बहुत help कर सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे खास बात जो होती है आपको personal guide मिलते हैं, personal coach मिलते हैं अपने, जिनसे आप personally अपनी पूरी study के साथ उनके साथ मिलकर के अपनी पूरी study personally plan कर सकते हो बेटा, तो ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। और latest batches ये अभी launch हुए बेटा
18th ऑफ अगस्त को 22 और 23 के टारगेट स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरह के बैचेस पहले भी लॉन्च हुए हैं कुछ ही दिनों के पीरियड में और आगे भी लॉन्च होते रहते हैं। और बच्चों सबसे खास बात यह है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की कि आपको एक सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप मल्टीपल बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच में कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किसी एक फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, आप अलग अलग बैचेस में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है नाउ यू हैव टू स्टक विद द सेम बैच, ऐसा नहीं होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट वहां पर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, की कोई चैप्टर पहले छूट गया है या आगे पढ़ना है या किसी और फैकल्टी से पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट दूसरे बैच में पढ़ना है, ये सब आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा बच्चों अनअकैडमी ये सारे पेड सब्सक्रिप्शन के अलावा और भी काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के बारे में मैंने बताया, जिसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो जरूर करनी है। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस मिल जाती हैं आपको, सारे सारे टॉपिक्स वहां पर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, क्विज मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाता है बच्चों हर वीक, दिस इज कॉल्ड नीट यूजी कॉम्बैट नीट यूजी कैटेगरी में, और यहाँ पर आपको हर वीक नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत जबरदस्त चीज है जिसके सॉल्यूशन और एनालिसिस हमको मिल जाता है। साथ ही साथ यहां पर आप अप टू 100% तक स्कॉलरशिप जो है सब्सक्रिप्शन के लिए वो जीत सकते हैं बच्चों, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको अनलॉक करने के लिए अगेन यू नीड टू यूज द कोड SNBSIR, ये कोड जरूर लगाना है बच्चों, इससे आपका ये जो नीड यूजी कॉम्बैट है अनलॉक हो जाता है। तो बेटा बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अलावा यार एक और बात बताऊं, अनअकैडमी की तरफ से एक और क्रिएटिव इनिशिएटिव लिया गया है व्हिच इज कॉल्ड बक्स बाउंटी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि आप अनअकैडमी का जो कंटेंट देख रहे हैं और उसमें आपको कुछ इनअप्रोप्रिएट बात लगती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाता है, उस फॉर्म को आपने फिल कर देना है, उस फॉर्म को रिव्यू किया जाता है, सारी बातें सही पाए जाने पर आपको रिवॉर्ड किया जाता है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है अनअकैडमी की तरफ से आपकी एक्टिव लर्निंग को रिवॉर्ड करने का, अल्टीमेटली जो अनअकैडमी के कंटेंट की क्वालिटी है उसे और ज्यादा ऊपर ले जाने का। तो बच्चों इससे आपको ही अल्टीमेट बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा बच्चों एक और यहाँ पर अनअकैडमी नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए एक रिविजन मैराथन का आयोजन कर रहा है बच्चों, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, लिंक में मिल जाएगी, या आप अनअकैडमी की ऐप पर जाएंगे वहां मिल जाएगी। वो स्टार्ट हो चुका है बच्चों, आज ही से वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको टॉप 38 एजुकेटर्स मिलेंगे, 90 करीब सेशंस होंगे, 13 दिन का पूरा रिविजन बूस्टर आपको मिलेगा, तो वो बहुत जबरदस्त चीज है, तो आपने उसको जरूर जाकर के देखना है अगर आप नीट 2021 देने वाले हैं। तो बच्चों ये सारी बातें हमने कर ली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी और ये आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर रहेगी। अब हम सीधा चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, वेक्टर्स की। तो देखिए पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर जहां पर हमारा स्टक हो गया था वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट या जो भी जिसका भी मोशन स्टडी करना होता है उसकी पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेसिकली लोकेशन बताता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बताते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में बताते हैं। तो ये मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ, एक बार क्विकली समराइज करवा देता हूँ। तो जैसे बच्चों यहाँ पर है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है x, y, z, इसका मतलब जो है ये रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है ओरिजिन, क्योंकि पोजीशन हमेशा रेफरेंस से बताई जाती है बालकों, तो ये ओरिजिन हमारा जो है रेफरेंस है बच्चा। अब यहां से मुझे बताना है इस पॉइंट ए का पोजीशन, तो मैं पोजीशन वैक्टर का इस्तेमाल करूंगा, तो ये मेरा पोजीशन वैक्टर रहेगा लाइक दिस, ये ठीक है। अब ये वेक्टर में क्या है भैया, वेक्टर में दो चीज होती है, हमने डिस्कस किया है फर्स्ट सेशन में भी इसके, कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, और ये जो एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का लेंथ बताता है साहब मैग्नीट्यूड को, और इसकी जिस डायरेक्शन में एरो होगी वो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, यानी ये सिंपली सिंपली आपको बता रहा है कि भैया इस ओरिजिन से आप इस डायरेक्शन में इतना दूर चले जाओ तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, यही पोजीशन वेक्टर है। और इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने देखा था ट्रायंगुलर एडिशन रूल से ही हमने पूरा प्रूफ किया था, यानी कि जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं है ना, सिंपल भाषा में समझो है, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब क्या, कि भैया एक्स की डायरेक्शन में आप एक्स जितना बढ़े, वाई में इतना बढ़े और जेड में इतना बढ़े, ठीक है। अब उसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, भाई मुझे मैग्नीट्यूड तो पता है ना कि x में कितना डिस्प्लेस होना है, y में कितना होना है, z में कितना होना है विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, क्लियर है। अब
मुझे सिर्फ डायरेक्शन बतानी है वहां पर। यहाँ तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड से पता लग रहा था कि पहला वाला एक्स में है, दूसरा वाई में, और तीसरा वाला जेड की बात हो रही है। अब यहाँ पर वेक्टर में कैसे बताते हैं, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स की डायरेक्शन को आई कैप यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वाई की डायरेक्शन को जे कैप करता है, और जेड की डायरेक्शन को की कैप। तो बस आपने यहाँ पर एक्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ आई कैप लगाना है, वाई के डिस्प्लेसमेंट के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ के कैप लगाना है, दैट्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स कॉमा वाई अगर कोऑर्डिनेट है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये जो ओ ए वेक्टर है, दिस वुड बी द पोजीशन वेक्टर। और रेफरेंस से ये स्टार्ट करना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन रेफरेंस है, यहाँ पर भी हमारा यही रेफरेंस है, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, ठीक है। अगर 3D में हो गया तो एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। तो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, क्विकली समराइज भी कर दिया है आप लोगों के लिए। आई होप पोजीशन वेक्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। अभी आगे हमको बढ़ना है, बात करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है यार, जब भी पोजीशन चेंज होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि जब भी टाइम के साथ में पोजीशन में चेंज आता है, वी से दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है, हिंदी में कहते हैं विस्थापन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। अब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर देखिए ये हमारा OA A का पोजीशन वेक्टर है, ये OB B का पोजीशन वेक्टर है। ये चीज भी पहले डिस्कस हो चुकी थी, इसको भी समराइज कर रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो ये OA आपका A का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, एंड OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो OA को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, X1 I कैप, Y1 G कैप, Z1 K कैप, इन द सेम वे X ये बी के पोजीशन वेक्टर यानी कि OB को हम रिप्रेजेंट करेंगे X2 I कैप, Y2 G कैप, Z2 K कैप, इस तरीके से। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर ये वेक्टर्स बना दिए हैं, ठीक है। अब यहां देखो यार, ये ए बी मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से बी पर, तो मुझे ये ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। अब जो ये एरो है ना रेड कलर का, ये बता रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, और इसका डिस्टेंस यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इस डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, ये एरो का लेंथ बता रहा है भैया। अब यहां पर क्या कर दो यार, यहां ट्राइंगल नजर आ गया मुझे, चमक गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगुलर एडिशन रूल अप्लाई करो, ये देखो टेल हेड और यहां पर हेड आ गया, यानी कि इस वाले ने इसमें आगे माथा मार दिया, समझ रहे हो ना बात, ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो बेटा ट्राइंगुलर एडिशन रूल में ये होता है कि सेम सीक्वेंस के जो दो वेक्टर है ना, उनका समेशन जो है, वेक्टर एडिशन जो है, रिजल्टेंट जो है, वो तीसरा वाला अपोजिट सीक्वेंस में जो आ रहा है वो बताएगा। तो यानी कि सिंपल सिंपल है कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो यहां से ए बी वैक्टर क्या निकल आया, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल सिंपल बात यह है कि अगर मुझे यहां पर ए बी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट ए बी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, तो मुझे क्या करना होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, ये करना होगा। यानी कि B बाद में है, कहां से कहां गया है, A से B गया है, A से B गया है, B बाद वाला है, तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ये हमको करना होता है, ठीक है। यानी कि AB वेक्टर बाद वाले का पोजीशन वेक्टर था OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये आपको करना है। और OB वेक्टर क्या था बच्चों, यहां पर X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस, ये हो गया साहब X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, ये हो गया बेटा। अब देखो यार इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरीके से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, देखना मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखो X2 और X1 और कॉमन क्या है I कैप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, X2 माइनस X1 I कैप प्लस यहां पर है Y2 माइनस Y1 और कॉमन आ जाता है J कैप, और यहां पर क्या आ जाता है बेटा, ये आ गया अपना Z2 माइनस Z1 और ये आ गया K कैप, ठीक है। और ये ए बी वेक्टर इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड की कैप। देखो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने ऐसे पकड़ लिया कि भैया कॉमन ले लिया, यहां पर कॉमन लेना हम जानते हैं, लेकिन इसको आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। मैंने आपको जो वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर जो था वेक्टर का, उसमें तो हमने कहा था यार कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उन्हें डायरेक्टली हम एल्जेब्रिकली एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो यार आई कैप का मतलब क्या है कि ये X2 भी आई की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और ये X1 भी आई की तरफ है ना, आई की तरफ यानी कि एक्स की तरफ है आई कैप में, ठीक है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें से इसको माइनस करना है तो सीधा घटा सकते हैं ना, जैसे ये किया था हमने कि भैया ये 5 है माइनस 2 करना है, तो इसी डायरेक्शन में क्या आ गया 3 आ गया,
है कि नहीं, है कि नहीं? तो बस वही तो किया है बेटा, वही किया है। ऐसा ही जे में और के में क्या, नहीं सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि भैया सेम डायरेक्शन वाले जो है ना, उन्हें हम डायरेक्टली एल्जेब्रिकली एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें वेक्टर का कोई इशू नहीं आएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर थे। क्लियर है बात, क्लियर है बात? तो ये आपका साफ क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर अपने को क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने को क्लियर है। ठीक है, इसमें यार देखो एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट 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 मूव्स फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए विच इज 2.6.8 टू पॉइंट बी, बी पे पहुंच रहा है 7.-2, यहां पर ले लेते हैं 3। यस, है ना? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने को चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा आएगा बाबू? ए से बी गया है तो ए बी वेक्टर मुझे चाहिए। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अब बी का पोजीशन वेक्टर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां से, क्या 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बहुत बढ़िया। माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये हो गया सब। अब देखो यार 7-2 ये 5i कैप हो गया, -2-6 -8j कैप में हो गया, और 3-8 तो -5k कैप में हो गया। ये आपका भैया आ गया ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो जाती है यहां से बात? क्लियर हो जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है कि भैया पाथ कौन सा ट्रेवल किया है। ये मोशन में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सही। चलो अब आ जाता है यार वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, विभाजित करना। ठीक है, और वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, इसको कहा जाता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट का मतलब क्या है? देखिए यार मोबाइल फोन है, सपोज आपके पास ना सेल फोन है, अब उसका मैं क्या कर दूं, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग कर दूं। कंपोनेंट्स बोले तो कि उसका बैक कवर अलग कर दिया, उसमें से सिम कार्ड अलग निकाल दिया, मेमोरी कार्ड है तो वो निकाल दिया, बैटरी निकलती है वो निकाल दिया, सब चीजें खोल करके रख दी। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स है वो क्या है, कॉम्पोनेंट्स है किसके, मोबाइल फोन के। और इन सब कॉम्पोनेंट्स को अगर अपनी प्लेस पर एड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट मोबाइल बन जाएगा। तो कंपोनेंट मतलब ये होता है कि भाग है वो उसके, ठीक है, उसके पार्ट्स, और उन्हें वापस से ऐड कर लिया जाए, उनको उसी पोजीशन पर ला दिया जाए तो वापस से आपको कंप्लीट बॉडी कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो वेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है कि वेक्टर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो, यानी उसके पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और उन पार्ट्स को वापस से हम एज इन वेक्टर्स ऐड कर लेंगे तो हमें वही रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। यही बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पार्ट्स या कंपोनेंट्स वेक्टर के किए जाते हैं, किस तरह से वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और किस तरह से बाद में उनका रिजल्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, आप ये मान करके चलें बेटा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर चैप्टर में ये आपको करना होता है, स्पेशली मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है पूरा, काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स दोनों उसमें लेने, डायनामिक्स है ना, मैकेनिक्स के ही दोनों पार्ट है, तो उसी में पूरी चीजों में ये बहुत भयंकर इस्तेमाल होता है यार, जबरदस्त इसका यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना यार, जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटीज है वहां पर आपको कंपोनेंट काम आएंगे। वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, सब चीजें वेक्टर ही तो है। और फोर्स के बिना, वेलोसिटी के बिना कौन सा फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, या कौन सा फिजिक्स का चैप्टर आ रहा है एक्चुअली, नॉट टू बी स्पेसिफिक कि भैया क्वेश्चन में ही आएगा, लेकिन हर चैप्टर में लगभग लगभग आपको वेक्टर क्वांटिटीज देखने को मिल रही है, स्पेशली इन दी मैकेनिक्स पार्ट, तो वहां पर बहुत जबरदस्त इसका इस्तेमाल होता है। तो चलो देखें यार कैसे होता है वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है। ठीक है, देखिए मान लेता हूं मैं यहाँ पर ये कोई वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, लेट्स This is A vector. अब मैंने मान लिया कि ये A vector जो है, अब इसके लिए मैं एक coordinate system मान लेता हूं ना, मान सकता हूं, क्या दिक्कत है? ये मैंने मान लिया इधर x है और ये x axis इधर मैंने मान लिया, और इधर अपन मान ले रहे हैं y axis। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया भाई। अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर समझे जरा, मान लीजिए कि ये horizontal axis के साथ बना रहा है थीटा एंगल, थीटा एंगल बना रहा है सर। अब मैंने यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर प्लेस किया है इस तरीके से, ये इस तरीके से। अरे भैया कहां जा रहे हैं,
ये ऐसा प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है भैया, इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। नाउ लेट्स से कि ये वाला जो ओरिजिन है ये ओ है, ये वाला साहब अपना हो गया पी, और ये हमने बोल दिया क्यू, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट्स से ए एक्स, क्या है ए एक्स, कह देते हैं क्या फर्क पड़ता है। यहां से यहां तक का मैंने बोल दिया लेट्स से ए वाई, क्या हो गया ए वाई हो गया, ठीक है। तो बेटा जी ये हो गया अपना ए एक्स और ये हो गया ए वाई, ऐसा अपन ने बोल दिया, बहुत बढ़िया। अब देखना यार ए एक्स जो है ना, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसी प्रकार से ए वाई जो मैं बोल रहा हूं, ये वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट हो गया साहब, ठीक है। ये एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, मैं इसको 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 ये ओपी को ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये पी क्यू को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। क्या करना चाह रहे हो सर आप यहां से, अभी बताते हैं क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बेटा आपको, ओ पी क्यू ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं ट्राइंगुलर एडिशन रूल अप्लाई कर रहा हूँ वेक्टर वाला, सेम सीक्वेंस में कौन है, ओपी पी क्यू, ये सेम सीक्वेंस में है, तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपोजिट सीक्वेंस में आ गया ना, इसने सर में सर दे मारा, हेड टू हेड हो गया यहाँ पर भैया। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया साहब, है ना, ए वेक्टर, ये पूरा का पूरा है, देखो ये, तो यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर का यहाँ पर लेंथ क्या था भैया, ए एक्स था, लेकिन लेंथ से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में था ये, एक्स की डायरेक्शन में था, ए एक्स आई क्या, प्लस यहां पर इसका लेंथ क्या था, ए वाई था सर, और ये किस डायरेक्शन में था, ये जे क्या, तो ये आपका वेक्टर आ गया इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पोनेंट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आपका पूरा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां पर क्या है, ये दोनों इसके कॉम्पोनेंट्स है, एक एक्स कॉम्पोनेंट है, एक वाई कॉम्पोनेंट है, या एक्स वाई नहीं मानना है, आप कह सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, समझ में आ रही बात, दोनों कॉम्पोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखो यार इसको और मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ ना, और अच्छे से समझाता हूँ, और फीलिंग आएगा यहाँ पर। अब आप समझो, देखो यहाँ पर क्या है, ये ए एक्स आपका ऐसा है ना, ये एक्स है भैया, है ना, ए एक्स, और ये ए वाई है, ये ए वाई है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वो क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ए वेक्टर है कि नहीं, ये बताओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो ए वेक्टर है, अरे है कि नहीं है बाबू, है ना, ये इधर ए वाई है, ये ए एक्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ए वेक्टर है ना, बिल्कुल ऐसा, ये ए एक्स और ये इधर ए वाई। अब एक चीज आप समझो, यहां से एक चीज आप समझो कि जो ये कॉम्पोनेंट्स है ना, ये भी अपने आप में वेक्टर है, ये भी अपने आप में वेक्टर है, है ना, ऐसा नहीं है कि भैया कॉम्पोनेंट जो है वो वेक्टर नहीं है, वो कुछ और है, नहीं, वो भी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स, उसका डायरेक्शन क्या है आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड है ए वाई, इसका डायरेक्शन क्या है जे कैप, ये है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहां से देखो यार, इस ए वाई को उठा करके इधर लिख सकता हूं मैं, ये ए इधर था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है, ये, या मैं इसको सिंपल 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 इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, ये देखो यार, ये ऐसा, ये वाला, या ये है ना। अब ये देखो, ये वाला जो डॉटेड लाइन था ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, ये मेरा यहाँ थीटा बन रहा है, ये मेरा ए एक्स है, ये मेरा ए वाई है, और ये ए है, तो बताओ यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बता दो मुझे, लगा सकते हैं। तो यहां पर ए जो आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो आप यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अगर आपके पास कॉम्पोनेंट है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। देखो इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ। मैंने कहा था कि दो वैक्टर्स है हमारे पास, दो वैक्टर्स है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, और इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कैसे आता है, रिजल्टेंट कैसे आता है साहब, रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स ए वाई कॉस 90, एंड कॉस 90 इज नथिंग बट जीरो, तो क्या बच गया रिजल्टेंट यहाँ पर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट ही क्या है, यही तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, है ना, है ना,
ये रिजल्टेंट भी मैंने देखना बताया था। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो रही ना, समझ में आ रहा है ना, आइडिया लग रहा है ना कि भाई ये क्या बात हो रही है यहाँ। बहुत से अच्छा, इसको देखो, ये सब चीज मैं रिलेट करके बता रहा हूँ यार। वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसको रिलेट कर दिया मैंने आपको कंपोनेंट से, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन कंपोनेंट को अगर वेक्टर, ये कंपोनेंट असल में क्या है, वेक्टर्स है, और इनका वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट देगा, और वही रिजल्टेंट आपका मेन वेक्टर है और उसके कॉम्पोनेंट, ये दोनों है, तो हर बात रिलेट होती है ना। आप लोग मेरे लेक्चर देख रहे होंगे तो ये बात आपने नोटिस की होगी कि मेरा यही तरीका है, मैं आपको चीजें समझाता हूँ कुछ, है ना, सेपरेट पॉइंट्स में, और फिर सब चीज रिलेट होती है, तो एकदम बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ यार, क्योंकि यार फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन। आप जब तक क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना नहीं सीखोगे, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगा बच्चा। कितने भी कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उन कॉन्सेप्ट में रिलेशन आना चाहिए कि यार इसको उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से, उस मैथमेटिकल एंगल से कैसे रिलेट करूं। ठीक है, चल अब यहां देखिए यार, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया था ना, इसी को मैं वापस से फॉलो करता हूं। इसमें कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं, इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो बना था हमारा, कहां जाएगा, ये लो, ये वाला थीटा एंगल था साहब, ये ए था, ये ए एक्स था, ये ए वाई था ना। अब देखना यार, इसमें देखना, इसमें देखना, इसमें देखना बच्चा, अगर मैं यहाँ पर इस ए वाई को उठा करके ऐसा लिख दूं तो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, नहीं है, है ना, लिख सकता हूँ, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर्स को, ये हमने देखा था, और ये हो गया। अब यहां पर अगर मैं लगाता हूँ यार टेन थीटा, या टेन थीटा की जगह पहले मैं बात कर लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है यार, लाल बटे कक्का, हिंदी वालों बच्चों के लिए, है ना, बताया था मैंने, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया ए वाई अपॉन ए, यहां से आपका ए वाई क्या निकल आया, अपॉन ए, नॉट ए एक्स, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्या आ जाता है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आ गया। वही 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 अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पर, मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ, चलो इसी ट्राइंगल में, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी एस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए एक्स अपॉन ए, यानी कि यहां से ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। चलो इसको रिवर्स भी प्रूफ करके बताता हूँ, रिवर्स, है ना, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐड करो साहब, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का एड करके अंडर रूट कर दो, चलो करो करो, क्या निकलता है देखो, यहां से ए एक्स क्या है, यहां पर ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए एक्स है कॉस वाला, है ना, तो इसको पहले कॉस वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट इसका चाहिए हमें। अब यहां से ए जो है वो कॉमन आ गया बाहर, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, और वन का रूट वन, तो ये ए आ गया कि नहीं आ गया। देखो हर तरीके से बता रहा हूं मैं, हर तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अपने आप में वेक्टर्स हैं, और इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकालोगे, वेक्टर एडिशन करोगे तो मेन वेक्टर आपको मिल जाएगा, और कंपोनेंट का वैल्यू भी आ गया, है ना, ए एक्स ए कॉस थीटा हो गया और ए वाई ए साइन थीटा हो गया। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसको रटना नहीं है, देखो समझो, मान लो अगर मैंने यहां पर ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, ये सिचुएशन अगर मैं क्रिएट कर देता हूं कि ये वाला एंगल आपका थीटा कर दिया मैंने, इसकी जगह पर ये वाला एंगल थीटा कर दिया, और ये आपका ए एक्स है और ये आपका ए वाई है, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर अगेन ये ए वाई को उठा करके यहां लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला थीटा हो गया, ठीक है, या इसको मैं यहां पर ऐसा कर दूं तो ये इसको ए ए एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि सेम ही तो है, जैसे ए वाई को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं वैसे ए एक्स को भी तो पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं ना, और ये यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब यहां पर अप्लाई करो यार, यहां पर अप्लाई करो आप, यहां अप्लाई करो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस क्या है, ए वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहां पर, ए, तो यहां से ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए कॉस थीटा आ जाता है यहां से, है ना, पहले ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आया था, अभी ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, इन द सेम वे साइन थीटा अगर आप अप्लाई करोगे बच्चा तो ए एक्स अपॉन ए हो गया, यानी कि यहां से ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया, तो सर अब ये तो उल्टा हो गया यहां पर ना, एक्स वाला कंपोनेंट जो है साइन थीटा वाला आ गया, और यहां पर पहले कॉस थीटा वाला आ रहा था, इसीलिए कह रहा हूं रटना नहीं है। करना क्या है, करना सिंपली ये है कि आपके पास में एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है ए,
ठीक है। अब ये किसी भी लाइन के साथ में, कोई सी भी लाइन हो, है ना, जरूरी नहीं है इट हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। मैं हॉरिजॉन्टल लेके समझा देता हूं पहले, फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है। अब आपको क्या है, इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट करना है। तो थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा ना, थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा ना बेटा, वो होगा कॉस थीटा वाला, ये कॉस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, वो क्या होगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, इस तरीके से। ये ध्यान रखें। और वहीं अगर आपका थीटा ये वाला हो गया, तो ये वाला ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट करना है बेटे, ठीक है, और उसके साथ में जो एंगल है वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, दोनों कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, दोनों कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, सिंपल बात है ना। और आपने ये भी जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो। मान लीजिए कि ये वेक्टर है मेरा, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और मुझे यहाँ पर एक लाइन दे दिया गया है, लेट से दिस इज द लाइन हियर, इसके अलोंग कंपोनेंट करना है, और ये वाला एंगल थीटा दिया है ना, थोड़ा सा इसको एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं है, लेकिन क्या तकलीफ है अपने को, कोई तकलीफ नहीं। ये देखो यहां से इसका कॉम्पोनेंट ये वाला, ये अभी प्रोजेक्शन और बताऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी। ये वाला ये हो गया ए कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा के पास वाला है ना, एंगल के पास वाला कंपोनेंट। अब दूसरा जो होगा वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस, दिस वुड बी ए साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा वाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। ये हो गया कंपोनेंट, क्लियर हो गई बात। तो यानी कि हमने क्या करा यहां से, हमने ये कंक्लूजन निकाला भैया कि एक वेक्टर के आप कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकते हैं वहां पर, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या जिस एक्सिस पर आपको कंपोनेंट लेना है उसके साथ जो एंगल बना रहा है वेक्टर, वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट हो गया उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा वाला, दैट्स इट, ठीक है। और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कंपोनेंट से, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इन द सेम वे। हम यहाँ पर 3D की अगर बात करें, तो 2D में बात कर लिए, तो अगर 3D में बात करें बेटा, यहाँ पे यहां से ये देखो, अगर हम 3D में बात करें तो 3D में वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही तो कर रहे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ऐसे ही तो कर रहे हैं। तो असल में क्या है, अब यहाँ पर 3D में क्या है, तीन कंपोनेंट है, यानी कि किसी भी वेक्टर के मैक्स टू मैक्स हम क्या तीन कंपोनेंट कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इसीलिए परपेंडिकुलर होते हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब मैं इसका एक कंपोनेंट चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके साथ कितना बना रहा 90, यानी कि ये कितना होना चाहिए, ए कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, यानी कि इस वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ सकता, वो परपेंडिकुलर चाहे इधर हो, आउटसाइड द प्लेन हो, इनसाइड द प्लेन हो, कहीं भी हो, तो 90 डिग्री में कोई कंपोनेंट नहीं आता है, इसीलिए तो जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप ही 90 डिग्री पर है, यानी कि उनका और कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा है। तो यानी कि एक वेक्टर को आप मैक्स टू मैक्स तीन डायरेक्शन में ही कंपोनेंट कर सकते हो, क्योंकि यही तो होता है, तीन ही तो एलिमेंट हो सकते हैं ना यार भाई, 3D में आपको पोजीशन बतानी, डिस्प्लेसमेंट बतानी, कुछ भी बताना है, तो तीन ही दिशा तो है अपने पास, x है, y है, z है ना। अब वो x y किधर भी आप मान सकते हो, अलग चीज है, लेकिन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सेस से आप कोई भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हो विद रेफरेंस टू एनी ओरिजिन और कोई भी पॉइंट के रेफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए तीन ही कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी कॉम्पोनेंट एक एक्स्ट्रा किया, तो असल में वो कॉम्पोनेंट नहीं होगा, या तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, या वो उस कॉम्पोनेंट का भी कॉम्पोनेंट जबरदस्ती किया गया होगा, बट एक्सक्लूसिवली एक एक वैक्टर के तीन कॉम्पोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां से नोटेबल है, ऑल कॉम्पोनेंट्स, और ऑल का मतलब क्या, दो या तीन, अगर 2D में ऑब्जेक्ट है तो दो कंपोनेंट, 3D में है तो तीन कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स, या मैं ऑल हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, है ना, एक वेक्टर के, ऐसा नहीं कि अलग अलग वेक्टर के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है भैया, ये वाला, ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये तो अभी देखो वहां रिजल्टेंट कैसे निकला था, यहां अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, ए वेक्टर का यहां पर मुझे चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो वहां पर तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ए एक्स ए वाई थे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहां पर भी कुछ वैसा ही होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियरिटी आती है, क्लियरिटी आती है ये, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें अभी हमारी डिस्कस हो गई है बेटा, इसके बारे में, कॉम्पोनेंट्स के बारे में, कॉम्पोनेंट कैसे करने हैं, ठीक है, और किस तरह से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हम उनका निकाल सकते हैं, ये चीज क्लियर हो जाती है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ना, जैसे ये हो गया, ये आपके पास एक वेज है ना थीटा एंगल पर, और ये यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का। अब यहाँ पर देखिए फोर्सेस, एम जी फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ, वेट इसका। अब इसके कॉम्पोनेंट हमें करने होते हैं, तो देखो यार एक कॉम्पोनेंट मुझे करना है अलोंग दी वेज, और एक आएगा दूसरा ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही आएंगे। तो देखो यार ये वाला एंगल अगर थीटा होता है ना बच्चों, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा है कुछ, ये एम जी है, ये एम जी है, ये एक कॉम्पोनेंट आएगा और ये इसके परपेंडिकुलर में दूसरा कॉम्पोनेंट, ठीक है। वो वाला एंगल थीटा था ना, तो ये वाला थीटा था ना बच्चे, तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला एंगल थीटा। अब थीटा के पास वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा साहब एम जी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर चला गया। ये थोड़ा परपेंडिकुलर कम दिख रहा है, 120 दिख रहा है, बट इट इज परपेंडिकुलर ना, मैंने वो शो कर दिया है सिंपल से। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एम जी साइन थीटा। ये एक जस्ट छोटा सा एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ऐसे बहुत हमें करने हैं, तो आगे बहुत प्रैक्टिस होने वाली है। जस्ट आपको कॉम्पोनेंट का यहाँ पर समझना है, आइडिया लेना है। क्लियर हो जाती है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर हमारे क्लियर है बेटा, कि हमें किस तरह से वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स करने हैं और किस तरह से उनको हम कहते हैं कि ये वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। Is that okay? Great, great guys, great guys. ठीक है, तो ये यार हर चीज इसीलिए बारीकी से बता रहा हूँ यहाँ पर, धीरे धीरे आराम आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने डाल दिए थे, इसके भी आपके लिए जल्दी ही मैं नोट्स डाल दूंगा बेटा, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें आप फिर से क्विकली रिवाइज कर सकें, समराइज कर सकें। वीडियो के साथ साथ में आप जो है नोट्स को देख करके, और उसमें कुछ एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इनकी बड़ी प्रैक्टिस करनी है, इनके बारे में बड़ा ध्यान रखना है, और जहां जहां क्वेश्चन में ये चीजें होंगी वहां आपको रिलेट करना है कि यार मैंने ऐसा पढ़ा था, हाँ ऐसा अप्लाई हो रहा है, सही, ठीक है। तो अपने एप्लीकेशन को आपने जो है एप्लीकेशन में कॉन्फिडेंस लाना है, और वो कब आएगा, जो आपने सीखा है जब उसे आप अप्लाई करें और उससे क्वेश्चन सही हो, तब कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गए साहब आपके क्या, वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट्स, क्या हो गए, वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अच्छा अब वेक्टर के कॉम्पोनेंट के दौरान हमने एक चीज और सीखी है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको दिया है कि कोई ए वेक्टर है साहब, इसका वैल्यू है 2i कैप + 3j कैप - k कैप। अब आपसे कोई बोले यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, या फिर ऐसे बार लगा करके, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, कॉफिशियंट ऑफ आई, ए एक्स है ना, ये आई का कॉफिशियंट, ये इसका स्क्वायर प्लस ये जे जे का कॉफिशियंट यानी वाई एक्सिस में जो है यानी कि 3, और फिर जेड वाला ये कितना है, ये -1 है, तो ये -1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप मैग्नीट्यूड उठा लो, माइनस तो ऐसे भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आ गया आपका 4 + 9 + 1, यानी कि ये आ गया साहब अंडर रूट 14। अच्छा अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया यूनिट वेक्टर बता दो, ए कैप बता दो, यूनिट वेक्टर इसका, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे आता है, हमने बताया था यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द डायरेक्शन, है ना। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में होता है यहां पर कोई भी वेक्टर में होता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है, और ये डायरेक्शन ही आपका क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है, और इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है, 2i कैप + 3j कैप - k कैप डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 14, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब आप किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है सब हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना अभी हमने नहीं सीखा था किसी भी गिवन वेक्टर से, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर इटसेल्फ, क्लियर है बेटा, बहुत सही। चलो अब यहां पर देखो यार कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये चीजें समझने की और एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब बर्ड मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि एक पॉइंट है 1, -2 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटे यहाँ पर अपने को 4, 2, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा हो गया, सो आई विल मैनेज इन द नेक्स्ट क्लास, बट ठीक है अभी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ए से बी जा रहा है, ए है 1, -2, बी है 4, 2, कौन जा रहा है, एक बर्ड जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, तो बर्ड का स्पीड आपको दे दिया है बच्चा
10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ए से बी जा रहा है। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर लिखना है बर्ड का, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो क्या आएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि 10 दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका यूनिट वेक्टर। भाई वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, ये मुझे करना है। ठीक है, तो वेक्टर तो मुझे ये मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो पता है 10 मीटर पर सेकंड भाई ने दिया है, लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का इस वेक्टर का डायरेक्शन, तो वो कैसे आएगा भैया? ये ए से बी जा रहा है ना बर्ड, इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगी वही मुझे यूनिट वेक्टर देगा, यानी कि वी कैप जो है ये क्या क्या है असल में, ए बी कैप, ए बी कैप यानी ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर लिख दो सबसे पहले, तो क्या है ए बी वेक्टर? बी माइनस ए, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3i कैप, 2 माइनस माइनस 2 तो कितना हो गया 4j कैप। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो बताना। ठीक है, 3i कैप 4j कैप, ये ए बी वेक्टर हो गया। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालो साहब, कैसा आएगा? अभी बताया था अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 3 9 4 16, यानी 25 25 का रूट 5, ये आ गया। तो यानी कि आपका ये जो v कैप है ये क्या आ जाएगा भैया, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो आपने बस यही करना है। अब यहाँ पर v कितना है 10 है, और ये यूनिट वेक्टर कितना आया 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 into 2 10 हो गया, यहां से ये 10 हो गया भैया, तो ये कितना हो गया 6i कैप प्लस 8j कैप, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ गए? तो यूनिट वेक्टर का यहां पर यूज करा हमने, यूटिलाइजेशन करा पहले। यहां पर देखो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहुंचता पूछता यहां पर तो ए बी वेक्टर हो जाता, काम खत्म, 3i कैप 4j कैप। लेकिन उसने पूछा है वेलोसिटी का वेक्टर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, तो उसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर काम आएगा, किसमें? वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी भी ए से बी की तरफ ही तो है, समझ रहे हो ना? तो ये लॉजिक भी आपको लगाना है, इमेजिनेशन भी लगाना, मैथमेटिक्स तो है। देखो इसके बाद यार ये वाला, इसमें कहा हुआ है पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, द चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, पी ओ क्यू इज गिवन 40। समझना यार, यहां पर क्या कहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ये वेक्टर एडिशन वाला आ गया थोड़ा, जो हमने फर्स्ट में किया था थोड़ा, वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का, तो क्या आएगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। और मैंने कहा था हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते, हम क्या करते हैं वहां पर उसको नेगेटिव करके ऐड कर लेते हैं। यही है, नेगेटिव करना मतलब कि 180 से घुमा देना, पलटी मार दो बस। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल वाला देखो ये है, ये फाइनल वेक्टर है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको वी को पैरेलली उठा करके यहां लगा दूं, ये फाइनल है आपका, है मैग्नीट्यूड सेम है, उसने कहा है कि सेम स्पीड है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम स्पीड है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, डायरेक्शन बदल रही है। ठीक, चल अब उसके बाद यहाँ पर ये इनिशियल वाला है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको पलटी मारना है, यानी कि इसको पलटी मारेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इसको पैरेलली उठा करके मैं यहां लगा देता हूँ, समझ आई बात? तो ये आपका भी, तो अल्टीमेटली अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा एक्स बनता है तो ये वाला एंगल सिमिलर होता है, तो ये 40 है साहब, तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया, यानी कि आपके पास फाइनली क्या बन गया, ये वी और इनका रिजल्टेंट चाहिए, ये 40। ठीक है, ये और रिजल्टेंट इधर एग्जैक्टली मिड में आएगा, है ना, इधर से 20 पर और इधर से 20 पर, क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या आता है बच्चे, रिजल्टेंट क्या आता है, मैंने आपको बताया था, रिजल्टेंट व्हेन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, तो क्या बताया था 2a cos θ/2, जहां थीटा दोनों के बीच का एंगल था, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2v cos 40/2, यानी कि आ गया 2v cos 20 degree। ये वही है, अंडर रूट r इज इक्वल टू अंडर रूट e² + b² 2ab cos θ, बस वहीं से इस्तेमाल किया, तो 2v cos 20 ऑप्शन डी, राइट, सिंपल, बहुत ये रिविजन भी हो रहा है अपना साथ साथ। चलो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2, 3, ये इनिशियल है, कब, t = 0 पर, तो t = 0 पर ये था भैया 2, 3 पर, फिर क्या बोल रहा है, फिर ये पहुंच गया 6, 7 पर t = 2 पर, तो t = 2 पर पहुंच गया 6, 7, फिर क्या कह रहा है, फिर ये पहुंच गया 13, 14 पर t = 5 पर, बहुत बढ़िया, 5 पर पहुंच गया 13, 14 पर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एवरेज वेलोसिटी बताओ,
एवरेज वेलोसिटी बताओ कहां से कहां तक, फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू फाइव। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है यार, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने देखे हैं सब प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मैंने यार आपको बताया हुआ है, अभी मोशन हमने रिसेंटली स्टार्ट किया उसमें भी डिस्कस किया है कि भैया एवरेज वेलोसिटी पोजीशंस पर डिपेंड करता है, उसको मतलब नहीं पार्ट कौन सा लिया है ना, क्योंकि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल सीधा, ठीक है। तो अब देखो ये कहां से स्टार्ट किया, यहां से किया और यहां पर पहुंच गया, यानी कि ये इनिशियल है और फाइनल है 13.14। मुझे कोई मतलब नहीं कि भैया ये बीच में कहां था कहां नहीं था, ये तो यहां से शुरू किया मेरे लिए और ये पहुंच गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको एस वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये मैं निकाल सकता हूं आराम से, कैसे, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था 13 - 2 यानी कि 11 i, 14 - 3 + 11 j, क्लियर है बात, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया साहब, ठीक है। अब टोटल टाइम, वी एवरेज की बात हो रही है यहां पर, है ना, तो टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 11 i + 11 j, और टोटल टाइम तो 5 सेकंड, भैया 0 से 5 में पहुंच गया, कहानी खत्म। तो 11 आप कॉमन ले सकते हो, 11/5 इसको लिख दो और i + j इज देयर, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, एब्सोल्युटली ग्रेट। चल एक और क्वेश्चन देखें, यहां पर देखें, यहां पर कंपोनेंट का आपको एक थोड़ा सा एप्लीकेशन भी बताऊंगा छोटा। यहां क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस 300 न्यूटन एट 0 डिग्री। तो जैसे जैसा बोल रहा है बना दो, यहाँ पर रेफरेंस ले लिया, मान लो यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 300 न्यूटन है, ठीक है, फिर 400 एट 30 डिग्री, यानी कि यहां से 30 डिग्री पर 400 आ गया, ये 30 डिग्री पर 400 वाला आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि यहाँ पर 400 एट 150, तो 150 यहीं से काउंट करना बेटा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो 150 जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, यहां पर कहीं पहुंचेंगे, ठीक है, ये इधर को हो गया ये 150, ये टोटल एंगल 150 हो गया आपका यहां से यहां तक, ठीक है, ये कितना है 400 है यहां पर भी, अच्छा ये 150 बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब टोटल 180 होता है, तो ये कितना बच गया इधर को, 30 बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है, बच गया कि नहीं बच गया 30, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 30 बच गया साहब, बहुत सही। अब देखो यार इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, वैसे तो बहुत इजी है बट मैं आपको कुछ एप्लीकेशन समझाना चाह रहा हूँ। एक तो देखो यार, मैंने आपको कहा था कि जब दो वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a² + b² 2ab cos θ रिजल्टेंट वाला फॉर्मुला लगाते हैं, काम करता, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, पहले दो को ऐड करो उनका रिजल्टेंट, फिर तीसरे में ऐड करो, फिर उनका रिजल्टेंट, फिर अगले में ऐड करो, लाइक दैट, ठीक है। अब यहां देखना, थोड़ा सा आप यहां पर गौर फरमाओगे तो आपको एक चीज क्लियरिटी आएगी कि ये 400 और ये 400 के बीच का एंगल कितना है। देखो यहां से यहां तक 150 था, इसमें से 30 निकाल दो कितना बच गया 120। अब 120 है इन दोनों के बीच का एंगल और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों का मिलकर के, बिल्कुल बिल्कुल इनका सेम आएगा, 400 आएगा और कहां पर आएगा, एग्जैक्टली मिड में, एग्जैक्टली मिड में, और इधर वाला 300 तो ऑलरेडी था ये, अब समझना बात को, एग्जैक्टली मिड में आया है, मिड में आया है, मिड में आया है, मिड में आया है, यानी कि क्या, इधर 30 तो ऑलरेडी था और इसमें 60 और ऐड हो गया, यानी कि ये 90 पे आया है। और दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट हमें पता ही है, अभी हमने देखा कंपोनेंट वाले में भी, उसके पीछे देखा a² b² वाले फॉर्मूला से भी, तो अंडर रूट a² + b² यानी अंडर रूट 300² + 400² और ये कितना हो जाता है, 500 हो जाए, सिंपल, ठीक है, 3, 4, 5 ये तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला बनता है सेटअप ये। अच्छा यहां पर तो इजी कैलकुलेशन था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स हो ना बेटा, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप जो है दो को ऐड करें फिर रिजल्टेंट निकालें, तो इजी था ना, डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस पर हो रहा था। इन क्वेश्चंस को इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं जहां हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, और मेनली कंपोनेंट का यही मेजर यूज होता है कि आप वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली। इधर 300 था, इधर 400 था, इधर 400 था, अब देखना यहां पर मैं किस तरह से कंपोनेंट करूंगा, समझने की कोशिश कर रहा। यहां से ये कितना एंगल था, 30 था, और यहां से ये कितना था, 30 था, ठीक है। अब देखना बाबू, अब देखना, पहले मैं इस 400 के कंपोनेंट करता हूं, तो ये वाला कंपोनेंट ये ना इस एक्सिस के अलोंग कितना 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 एंगल पर आ रहा है, 30 पर आ रहा है यहां से, ठीक है, तो ये हो गया 400 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर में क्या चला जाएगा, यहां पर इसके परपेंडिकुलर में ये वाला, ये हो गया 400 sin 30, हो गया कि नहीं हो गया साहब, बिल्कुल हो गया। अब देखना यार
ये ग्रीन वाले से मैं ये वाले 400 की करता हूं, तो ये वाला 400 का इधर ये 30 बन रहा है, तो ये भी क्या आएगा 400 cos 30। और इधर भी कितना आ जाएगा इसका, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आएगा ना 400 sin 30। अब देखना बाबू क्या है, ये 400 cos 30 और ये 400 cos 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट में, यानी हॉरिजॉन्टल में, तो सिर्फ ये 300 बच गया, ये 300 बच गया। और यहां पर वर्टिकल में यहां पर क्या बच गया, 400 sin 30 प्लस 400 sin 30, sin 30 इज 1/2 है ना, तो ये कितना हो गया 2 400, 2 into 400 sin 30, और sin 30 1/2 होता है, कैंसिल हो गया, यानी कि ये 400, तो वही आ गया कि नहीं आ गया, कि ये ऊपर 400 इधर 300 रिजल्टेंट निकालोगे 500। तो ये भी एक तरीका है, इसमें तो खैर इजी कैलकुलेशन थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं टफ कैलकुलेशन जब होती है ना बेटा, तो कॉम्पोनेंट करना, यानी कि जो हम रेजोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं इसके वैक्टर्स के, वो बड़ा जरूरी हो जाता है, वैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो। तो मैं धीरे धीरे आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, टाइम लेकर के बता रहा हूँ, लेकिन इट इज वर्थ इट बच्चा, आपको इससे जरूर बेनिफिट होने वाला है। चलो अब आगे बात करते हैं यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखो वेक्टर का हमने क्या है, पहले हमने समझ लिया वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सारी चीजें देखी, फिर हमने देखा कि वेक्टर को ऐड किस तरह से किया जाता है, फिर हमने देखा कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे दिया जाता है, फिर हमने देखा कि किस तरह से उनके कॉम्पोनेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि यार क्या है कि मैथ्स में क्या है कि नॉर्मल नंबर्स होते हैं, उनका हम ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह ना, वैसे वेक्टर्स के साथ भी किया जा रहा है, लेकिन यहां पर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिस तरह के उनके एडिशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो यहां थोड़ा अलग हिसाब चलता है, ठीक है। अब देखना, समझने की कोशिश करना क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अगर आपने किसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, -1/2, इस तरह का कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जब आप एक वेक्टर को एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में चेंज इसका वेक्टर का, डायरेक्शन में चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है, और मे बी बोथ, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। कैसे हो सकता है समझो, आओ देखो क्या है यार, एक वेक्टर को मैं कैसे लिखता हूं, ए वेक्टर को मैं लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। ये अब मुझे मान लो कि एक वेक्टर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना, लेट्स से द नंबर इज के, के इज अ नंबर ये है ना, के मल्टीप्लाई करना मुझे, के इनटू ए वेक्टर करना है, तो क्या होगा, ये नंबर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, और ये डायरेक्शन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर आपने तो लिखा डायरेक्शन में चेंज, यस इट मे, इफ के इज नेगेटिव, अगर के नेगेटिव हो, मान लो -2 है यहाँ पर, तो -2 है यानी कि इस वेक्टर के आगे क्या -2 लग गया, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो गया, और माइनस और लग गया, और माइनस लगते मतलब डायरेक्शन रिवर्स 180 से घुमा देंगे। देखो ये वेक्टर है साहब, ठीक है। अब इसमें देखो यार, यहाँ पर जो k है ना, यहाँ पर k का वैल्यू लेट्स से 2 है, तो ये कितना हो गया 2a वेक्टर, डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड बदल गया, देखो लेंथ बदल गया इसका, ठीक है। यहाँ पर k is equal to 3 हो गया, तो ये 3 टाइम्स हो गया इसका लेंथ, ये डायरेक्शन वही रहा, सेम डायरेक्शन। यहाँ पर k is equal to हमने ले लिया -3, तो अब देखो 3 टाइम्स भी हो गया है ना, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, यहाँ k is equal to -1/2 है, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्शन भी रिवर्स और मैग्नीट्यूड हाफ, क्लियर है, सिंपल बात है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल ये हमने किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाइड विद अ नंबर, नंबर किसको, एक वेक्टर, वेक्टर को नंबर से, ठीक है। चल अब मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, नंबर से नहीं, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी और नंबर में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि भैया नंबर के पास में कोई भी क्वांटिटी नहीं होती जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि जैसे मैंने बोला 2 या -2, अब ये क्या है, ये लेंथ है, ये मास है, ये डिस्टेंस है, ये है क्या, मुझे नहीं पता, सिर्फ नंबर है, ठीक है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या है, डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन वो नंबर भी है, लेकिन उसके पास में क्या है, क्वांटिटी, वो एक कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2 अगर बोल रहे हैं तो 2 क्या है, हो सकता है वो लेंथ है वहां पर, हो सकता है वो वहां पर मास, लाइक दैट, ठीक है। तो वो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है भैया। चलो तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर ऐसा आप करते हो तो यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और बोथ में चेंज, यहां पर भी दोनों चेंज हो सकते हैं, और दोनों चेंज होने का लॉजिक क्या है,
वही वाला है जो पिछले केस में था कि भैया मैग्नीट्यूड हो सकता है और साथ ही साथ अगर नेगेटिव हो, क्योंकि बहुत सी स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जो होती तो स्केलर है लेकिन उनमें नेगेटिव भी आता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में आपको क्लियरिटी आती जाएगी, बट लॉजिक सेम है, बिल्कुल ये वाला लॉजिक है। ठीक है, ओके। इसमें एक और एडिशनल चीज आ जाती है, क्या क्या? नेचर नेचर ऑफ क्वांटिटी या नेचर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली नेचर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में चेंज। यहां पर एक और एडिशनल चीज आ गई कि नेचर भी चेंज हो सकता है। देखिए डायरेक्शन तो ये नेगेटिव की वजह से हो सकती है, मैग्नीट्यूड जितना अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वजह से, या नेचर का क्या मामला है? देखिए यहां पर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? एक्सेलरेशन है सर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और एम जो है ये मास है, मास क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर है साहब, ये स्केलर है ना। सो वी कैन थिंक ऑफ अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल जहां पर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी से और नेचर बदल जाए, तो वहां पर ये बनता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए न्यूटन सेकंड लॉ, हम पढ़ेंगे आगे चल करके, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा नाइन्थ में ऑलरेडी। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पर देखो एक्सेलरेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया मास से और क्या बन गया? फोर्स बन गया साहब, फोर्स बन गया, तो क्वांटिटी का नेचर बदल गया ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी था, ठीक है, अब उसको हमने दूसरे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया मास, ठीक है, मास इज अनदर स्केलर क्वांटिटी एंड ए इज अ एक्सेलरेशन व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई किया तो नेचर बदल करके क्या बन गया? ये फोर्स बन गया भैया, बन गया कि नहीं बन गया? ये बात चल, तो ये हो सकता है। खैर ये बारीक बारीक छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, वेक्टर को स्केलर से या नंबर से करना इस नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल है, जो भी मैग्नीट्यूड है नंबर का या उस स्केलर क्वांटिटी का वो सीधा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन वही रहेगा या ज्यादा ज्यादा नेगेटिव होगा तो रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। ये समराइज कर दिया। अब यहां पर देखिए अगर वेक्टर को वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है, बराबर की टक्कर होनी है, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। अब एक होता है स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से क्या तात्पर्य? देखिए स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या प्रोडक्ट इज स्केलर, सिंपल ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि कई बार वेक्टर्स जरूरी नहीं कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, द प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, यानी कि अगर आपने दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट किया है तो उसका रिजल्ट वेक्टर आता है और यहाँ स्केलर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या? डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखिए जिस तरह का इनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? ए लिटरली डॉट लगाते हैं भैया, ए डॉट बी, ए डॉट प्रोडक्ट ऐसा डॉट लगाया जाता है। और अगर हमें यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो इसको कहते हैं ए क्रॉस बी, पढ़ते भी ऐसा ही है ए क्रॉस बी, बोलते भी क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आ गई? तो ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, किस तरह से विजुअलाइज करना है, वो सारी चीजें आगे चल करके डिस्कस करते हैं। वो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, मान लो मान लो मान लो अपने पास यहाँ पर जो है दो वैक्टर, एक वैक्टर ये हो गया साहब ए वैक्टर, और ये दूसरा वैक्टर हमने ले लिया बी वैक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो ए डॉट बी, तो इसका क्या वैल्यू होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर ए क्या है बाबू, ए है मैग्नीट्यूड है ना, किसका, ए वेक्टर का, बी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, और थीटा है उन दोनों के बीच का एंगल, तो ए बी कॉस थीटा, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं आती, आप देख सकते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, कोई डायरेक्शन यहां नहीं आया है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, समझ में आ रही बात, सिंपल है ना, सिंपल है। देखो यहां पर इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा बेटा, ये ए इंटू बी कॉस जीरो, यानी कि क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ए बी आ जाएगा, तो ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रिजल्ट,
इससे ज्यादा आ नहीं सकता। ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू ए भी, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वन हो सकता है सर। इसी तरह से इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने कर दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी कॉस 90, यानी कि क्या आ गया, जीरो आ गया भैया, कॉस 90 जीरो होता है ना, कॉस 90 जीरो हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसका बहुत भयंकर इस्तेमाल होता है भैया, भयंकर बोले तो बहुत भयंकर इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये चीज आपको ध्यान रखनी बेटा कि अगर दो वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। देखो यार ये चीज क्लियर हो गई यहां से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी कोई समस्या इसमें बताओ। चलो अब देखो यार इसको हम इस तरीके से देखते हैं ना, हमारे पास क्या होते हैं इस तरह के वेक्टर्स होते हैं, कहां गया ये आ जाओ, ठीक है, ये हो गया, मान लो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड जो है हमारा x y और ये z है। तो x में हमारे पास यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y में हमारे पास यूनिट वेक्टर j होता है और z में k होता है। अब ये क्या है, ये भी तो वेक्टर्स ही हैं, यूनिट है तो क्या हुआ, मैंने कहा था इनको भी वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बने। तो अगर मैं करता हूं यहां से i डॉट i, इसका मतलब क्या हो गया, चलो अब इसका आई का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दूसरे वाले का भी वन, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो, भैया दोनों एक ही लाइन में तो है, एक ही डायरेक्शन में, एक्स के अलावा तो क्या आ गया, वन, है ना। तो यानी कि सिंपल बात है कि आप आई डॉट आई कर लो या जे डॉट जे कर लो या फिर के डॉट के कर लो, सभी का क्या आएगा, वन आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा भैया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। अच्छा वहीं अगर मैंने ये कर दिया साहब आई डॉट जे कर दिया तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन, आई और जे क्या है, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉस 90 क्या आना चाहिए भैया, जीरो आना चाहिए। यानी कि आप कोई भी दो ले लो, आई डॉट जे ले लो या आप जे डॉट के ले लो या फिर आप के डॉट आई ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, मतलब दोनों सेम नहीं होने चाहिए बस, ठीक है। तो सभी का क्या आएगा, जीरो आएगा डॉट, सिंपल है, ठीक है सर, ये तो ठीक हो गया। हमको हमेशा इस फॉर्म में थोड़ी ना मिलेगा कि भैया दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच का एंगल दे दिया, दोनों के मैग्नीट्यूड दे दिए, बताओ डॉट प्रोडक्ट, ऐसा हमेशा नहीं होगा। वेक्टर आपको इस फॉर्म में भी मिलेंगे, जैसे कि ऐसा यहाँ पे पकड़ो, आपको दे दिया ये ए कैप, ए वेक्टर, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई, है ये तो ए चल रहा है ना, तो ये ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और दूसरा आपने को दे दिया बाबू क्या, बी वेक्टर दे दिया भैया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और अपने को बोला यार अभी इनका डॉट करो, तुम तो ये करो भैया, ए डॉट बी करो। अब यहां क्या हो जाएगा सर, क्या दोनों के बीच का एंगल निकालने बैठेंगे, क्या क्या क्या, क्या करेंगे क्या, चलो बताते हैं क्या करेंगे, आओ देखो यार इसको भी निपटाएं। ये देखो यार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन करना चाहते हैं, ये क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका डॉट हो जाएगा साहब बी एक्स आई कैप बी वाई जी कैप बी जेड के कैप। अब आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना नॉर्मली, मान लो एक आपके पास इस तरह का इक्वेशन हो, एक इस तरह का हो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं, वही करना है। देखो पहले ये वाला इन तीनों से होगा, फिर दूसरा वाला तीनों से, फिर तीसरा वाला तीनों से, इस तरह से होगा, ठीक है, नौ टर्म्स यहां पर बनेंगी। तो पहला देखो, ए एक्स जाएगा पहले बी एक्स के पास, अब ए एक्स मैग्नीट्यूड है, बी एक्स मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं होता, डॉट किसका होता है, वेक्टर्स का, और यहाँ वेक्टर कौन है, आई कैप डॉट आई कैप, समझ रहे हो बात को। इसी तरह से अब ए एक्स जाएगा ए वाई के पास, तो ए एक्स का आई कैप है और वाई वाले का जे कैप है। इसी तरह से अब ए एक्स जाएगा ए जेड के पास, तो यहाँ पर आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा, पकड़ रहे हो बात को। फिर अब दूसरा वाला जाएगा, तो ये ए वाई आ जाएगा आपका, और यहाँ पे बी एक्स आ जाएगा, तो ये आपका जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई, तो जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड, यानी कि जे डॉट के,
इन द सेम वे आगे चलेंगे बेटा, तो ये ए जेड डी एक्स के डॉट आई, समझ रहे हो समझ रहे हो, ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ये है बात। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आई आई है, जे जे है और के है तो वन आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का, और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले यानी आई के साथ के है या जे है, जे के साथ के है या आई है तो जीरो, यानी कि यानी कि यानी कि अब यहां पर पकड़ना बाबू बात, यहां पर पकड़ना बात को, ये है आई डॉट आई तो ये तो वन रह जाएगा, यहां पर है जे डॉट जे ये वन हो जाएगा, के डॉट ये वन हो जाएगा, बाकी सब में देखो ये हो गया साहब जीरो, ये हो गया जीरो, ये वाला भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, यानी कि बचा क्या फाइनली, तो फाइनली मेरे पास ए डॉट बी में क्या बचा है, मेरे पास बच गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यानी कि यानी कि यानी कि हमने क्या किया यहां से, हमने यहां से रिजल्ट निकाल लिया, हमने यहां से रिजल्ट निकाल लिया कि अगर आपने इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करना है, एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई कर दो प्लस वाई वाई वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो प्लस जेड जेड वाले मल्टीप्लाई, खत्म कहानी, खत्म कहानी, बाकी सबका रिजल्ट तो जीरो होना ही है ना। जैसे अगर मेरा ए वेक्टर है बेटा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है अपना आई कैप माइनस थ्री के कैप, ये ठीक है, तो यहां पर यहां पर यहां पर माइनस, चलो इसको मैं जे भी ले लेता हूं, माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ये है बच्चा। अब अपने को क्या करना है, ए डॉट बी करना है, तो इधर का ए एक्स कौन सा है टू है साहब, इधर वाला कौन सा है वन है, ठीक है, प्लस इधर वाई में कौन सा है थ्री है, इधर वाई में कौन सा है माइनस थ्री है, प्लस इधर के में कौन सा है माइनस वन है, और इधर कौन सा है टू है, कर दो, ये कितना हो गया टू इंटू वन टू, ये कितना हो गया ये माइनस नाइन हो गया और ये माइनस टू हो गया, तो कितना हो गया बेटा माइनस नाइन, ये आपका आ गया क्या डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर आया, कोई इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं, क्लियर हो जाती है बात। अरे भैया चमक रहा है, क्लियर हो रहा है, तो दिक्कत हो तो बताओ, चलो लाइव नहीं है, चैट में नहीं बता सकते, कमेंट में जरूर बता सकते हैं, बताना यार कैसा सेशन लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, आगे सब तक पहुंचाना है, ताकि हमारी कम्युनिटी और डेवलप हो, बड़ी हो, ग्रो हो, और हम और नई नई चीजें सीखें, क्योंकि सबके साथ मिलकर के सीखने का अलग ही मजा है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे क्लासेस में उतना ही मजा आएगा, क्योंकि जनरली हम लाइव ही लेते हैं, ये तो ड्यू टू सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अदरवाइज डेली लाइव ही होता है, 6 बजे हमारा डेली लाइव चल रहा है, दोपहर वाले लेक्चर में भी आया करो बच्चों, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी कोई बात। अब एक होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या कहना चाह रहे हैं, देखो मान लो आपको दे दिए दो वेक्टर्स, ए वेक्टर दे दिया आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर आपका बी वेक्टर है साहब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको बोलता है कि बताओ यार एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स बता दो फटाफट से, भैया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे यार एंगल, कैसे निकालेंगे यहां पर एंगल, देखो मैं बता दूं, हमें आता है डॉट प्रोडक्ट करना, अभी अभी हमने सीखा है ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां ए बी दोनों के मैग्नीट्यूड है, तो यहां से कॉस थीटा आ गया हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, और ये थीटा ही तो चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, टंटन टंटन ये आ गया है कि नहीं, ये आ गया, ये करना होता है साहब, ये करना होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करके आप एंगल निकाल सकते हैं, है ना, तो यानी कि ऑलवेज 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 यूज डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टू 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 फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो हम जो है डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए दो वेक्टर्स के बीच, समझ में आ रही बात, देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं, यहां एक एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे अभी यही लिया था हमने रिसेंट ना, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये एग्जांपल है, अब आपसे पूछा है यहां पर एंगल बताओ, एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये बताना है। तो देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, कितना आ गया, -9 आ गया सर, -9 आ गया ना। यहाँ पर वैल्यू पे मत जाओ, है ना, आपको एग्जाम्पल में बढ़िया वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ए डॉट बी हमने किया था, कितना आ गया था, -9 आ गया था। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, 2, 3, 1, है ना। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, अंडर रूट 14, ये आ गया। और बी का मैग्नीट्यूड मैं निकालना चाहूं तो बी वेक्टर क्या था बेटा, बी वेक्टर था यहाँ पर आई कैप -3 j कैप 2, यानी कि 132, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन ये कितना हो गया, अंडर रूट 14, ठीक है। अब देखो यार ए डॉट बी को क्या लिखते हैं अपन बेटा, ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा। तो ये ए डॉट बी आया था -9, ये अंडर रूट 14, और ये भी अंडर रूट 14, तो 14 हो गया यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 14, ये आ गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -9 डिवाइडेड बाय 14, ये हो गया बेटा, सिंपल है, डिंग 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 डिंग, है ना। चल अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। ये सब चीजें रिलेट होगी, अलग अलग नहीं है, है ना। डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स हम कर रहे हैं, एडिशन जो हो रहा था, इन सब चीजों में सिमिलैरिटीज, और मैं आपको बार 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 रिलेशन भी बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर्स की बात करें यार, कि वैक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए प्रोजेक्शन इन जनरल समझते हैं पहले, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। आप मान लीजिए यार अपने पास क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने टॉर्च लगाया और सामने वॉल पर या स्क्रीन पर मैं उसका प्रोजेक्शन लेता हूँ, ठीक है, अंधेरा कमरा है और इस तरह से लिया हमने वहां पर, या लाइटेड रूम है, या जैसे भी इधर से लाइट लगाया उधर, तो प्रोजेक्शन हमें क्या मिलेगा वहां पर, स्फेयर का प्रोजेक्शन मिलेगा सर्कल, और अगर क्यूब है तो उसका प्रोजेक्शन हमें क्या मिलेगा, उसका प्रोजेक्शन हमें मिलेगा स्क्वायर, यानी कि क्योंकि 2D प्लेन में हम ले रहे हैं ना, तो उसका प्रोजेक्शन 2D में मिलेगा, ये है कहने का मतलब। देखो यहाँ से इस डायग्राम से क्लियरिटी आएगी, यहाँ पे देखो ये इस तरह का कोई ट्रायंगुलर 3D शेप था, है ना, ऐसा था, कोई वेज था बढ़िया सा। अब इस वेज का अगर मैं इस वॉल पर प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, सामने से तो ट्रायंगल मिल रहा है वॉल पे, ऊपर से ले रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन होता है। तो भैया वेक्टर में भी ऐसे ही प्रोजेक्शन होता है, जैसे समझिए यहां पर मेरा मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, और यहाँ ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है भैया। अब मुझे कह दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस लाइन, ये निकालो साहब, कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, सिंपल है। देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं ऊपर से टॉर्च लगा दूं तो मुझे ये वेक्टर यहां पर इसका क्या शेडो मिलेगा, तो मुझे क्या शेडो मिलेगा इसका, ये शेडो मिलेगा, ये मिलेगा मुझे, बोलो हाँ कि ना, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये है मेरा, ये मेरा है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, लेकिन किस लाइन में, इस लाइन में, जिस भी लाइन में पूछा जाएगा उस लाइन में निकाल सकते, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया। अब ये प्रोजेक्शन की बात करें तो ये प्रोजेक्शन क्या है असल में, दिस प्रोजेक्शन इज नथिंग बट कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट ही तो है, इसे ही तो कॉम्पोनेंट करना कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहां से ए कॉस थीटा, बताओ अभी देखा था ना यार, ए कॉस थीटा, यही तो कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट ही तो है ये, और क्या है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इसको आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अब ऐसा कह दिया कि आपको दो वेक्टर दे दिए जाएं और एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग लेना है, यानी कि ये आपका बी वेक्टर हो गया साहब यहाँ पे, और ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, और ये पूरा का पूरा आपका बी वेक्टर है। अब आपको इसका प्रोजेक्शन लेना है इसमें, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लेना है इसमें, ना आपको एंगल दिया है ना कुछ दिया है, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन यहां पर मुझे चाहिए, और ये मैंने मान लिया कि थीटा एंगल बन रहा है, तो ये ए कॉस थीटा, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड, ठीक है। अच्छा अभी आपको मैंने बताया कि भैया थीटा एंगल कैसे निकाला जाएगा, मैंने बताया आपको कैसे निकाला जाएगा थीटा एंगल, सबसे पहले तो थीटा एंगल की यहां जरूरत है ना, तो थीटा एंगल कैसे निकाला जाएगा, थीटा एंगल निकाला जाएगा डॉट प्रोडक्ट करके। तो ये ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, है ना, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा यहां से आ गया क्या,
ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा तो आ गया। अब इसका प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन है यहां पर, प्रोजेक्शन इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये ए तो है ही सही, ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या, ए बी, ठीक है। ये हो गया कि कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। और ये यहां से ए से ए कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, ये आ गया सर। इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। प्रोजेक्शन निकालने का तरीका मैंने बता दिया। प्रोजेक्शन इज नथिंग बट कॉम्पोनेंट, एक तरीके से आपको बोल दे सिंपली कि ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी वेक्टर में निकालो, तो क्या चाहिए, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, और ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, समझ रहे हो बात को, ऐसा ये है प्रोजेक्शन निकालना। और उसके लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ी, एंगल हमने अभी निकालना देखा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक 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 चीज में रिलेट करके बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रोजेक्शन की बात हो गई, अब ये देखो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको अगर दिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन ठीक से, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपको डेटा भी मैं दिखा दूंगा क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एफ वैक्टर एंड एफ टू वैक्टर आर एक्टेड ऑन अ बॉडी टू डिस्प्लेस इस पोजिशन फ्रॉम आर वन टू आर टू, यानी कि एक तो एफ वन वैक्टर दिया है हमें, वो कितना है, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप, और दूसरा एफ टू वैक्टर दिया है, वो दिया है बेटा आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, ये दो वेक्टर दिए हैं। और फिर बोल रहा है कि भैया ये इसे ले जा रहा है कहां से, ये आर वन एक पोजीशन है, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप मीटर्स में, और यहां से दूसरी पोजीशन आर टू पर लेकर के जा रहा है सेवन आई कैप प्लस टेन जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन, बेटा वर्क डन वगैरह तो हमने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है ना, इसलिए उसने कहा है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, जो चेंज इन डिस्प्ले पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये एफ डॉट आर वेक्टर ये करना है, ठीक है। ये तो यहां पर सबसे पहले तो मैं डेल्टा आर वेक्टर निकालू, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो सेवन माइनस वन सिक्स आई कैप, टेन माइनस टू ये हो गया एट जे कैप, ठीक है। फाइव माइनस माइनस टू यानी कि फाइव प्लस टू सेवन के कैप, ये हो गया बेटा। और एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर कैसे आएगा यहाँ पर, नॉट नेट आएगा, एफ वन प्लस एफ टू, क्योंकि टोटल लगाना है ना, तो दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, तो आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे, टू यहाँ पर वन यहाँ पर थ्री आई कैप, ठीक है। ये माइनस थ्री और ये प्लस वन, तो माइनस टू जे कैप, ये थ्री और माइनस टू यानी कि प्लस के कैप। अब आपको क्या कर देना, वर्क डन यानी कि इन दोनों का डॉट कर देना, सिंपल सिंपल सिंपल, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप डॉट, डॉट किसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस सेवन के कैप, एज सिंपल एज दैट। अब कर दो मल्टीप्लाई, सिक्स थ्री एटीन हो गया यहाँ पर, माइनस सिक्सटीन हो गया, और सेवन का सेवन रह गया, ठीक है। तो ये कितना बच गया, सेवन टू नाइन, नाइन जूल इज द आंसर, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है, और यहां से आइडिया भी लग जाता है कि आगे भी डॉट प्रोडक्ट काम आएगा, फोर्स वगैरह बहुत जगह काम आएगा यार। चल अब बात कर लेते हैं यार वेक्टर प्रोडक्ट की। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, है ना, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। अब होगा वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहां से जानने को मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। चलो ये भी बड़ा यूजफुल है, और इसमें थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी है, ध्यान देना है चीजें समझने के लिए, ठीक है। देखो यहां पर अगर मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच है एंगल थीटा। अब मुझे करना है बाबू यहां से क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अरे सर ये तो वैसा ही आ गया, बस कॉस की जगह साइन है, लेकिन इसमें साथ में एक एन कैप भी आता है। दिस एन कैप इज वॉट, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके पास ही डायरेक्शन भी होगी। ये है बाबू, ये है बाबू, ए जो है यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बी जो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है, एंड हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग ए क्रॉस बी,
ये ए क्रॉस बी के अलोंग की डायरेक्शन है, लेकिन हाँ है तो सही, लेकिन आएगी कैसे हो तो हमें भी पता है कि भैया ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, लेकिन आएगी कैसे वही तो निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, चलो अभी उस विषय में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि भैया ये एन कैप जो है ये कैसे आता है। तो ये जो एन कैप है ना बच्चों, ये आपका आता है राइट हैंड रूल से। देखने देखने का तरीका होता है, एक आपको रूल बताता हूं कि किस तरह से आपने निकालना है। तो ये आता है राइट हैंड रूल्स। ठीक है, क्या होता है राइट हैंड रूल, कैसे फॉलो करना है। देखो यार, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, दो वेक्टर्स, ये देखो यहां से आपको समझाता हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। देख रहे हैं, ये वाला जो है ये ब्लू वाला ये ए है और ये वाला ब्लैक वाला बी है। अब मुझे करना है ए क्रॉस बी, तो मेरी जो फिंगर्स हैं और थम्स है ना, हम ये मान रहे राइट हैंड लेना है। ठीक है, और हम मान रहे हैं फिंगर्स और थम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखो ना, राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ ऐसा 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये तो फिंगर्स ली, ए क्रॉस बी करना है तो ए की तरफ फिंगर्स जाएंगे और इनको घुमाना है बी की तरफ, बी ए क्रॉस बी, ये ऐसा ये ऐसा। तो थंब जो बताएगा ना ये आपको डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, यानी कि जिस प्लेन में ए बी दोनों है उसके परपेंडिकुलर ये आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम करेंगे बी क्रॉस ए तो ये बी की तरफ और ये इधर ए की तरफ जाऊंगा, तो नीचे नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि इनसाइड द प्लेन। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है राइट हैंड रूल। देखो यार, ये देखो, ये यहां से, ये यहां से, ये इस तरीके से समझो आप, जो मैंने बताया ना वही यहाँ पर है। ये वाला ए वेक्टर है, ये यहाँ पर बी वेक्टर है आपका, ये तो ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी किया तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बी क्रॉस ए कर देंगे तो इनसाइड द प्लेन, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यानी कि यहां से एक चीज पता चलती है, एक चीज पता चलती है यहां से, क्या क्या क्या, द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बोथ वेक्टर्स एग्जिस्ट एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। भैया देखो सिंपल, मैं कह रहा हूं कि ये मेरा ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए और बी है, ये ए और बी, ये इस प्लेन में है, ये दिख रहे हैं इस प्लेन में है। अब ए क्रॉस बी मैंने किया तो जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या आया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और ये जो है ए क्रॉस बी, ये इस ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी, क्योंकि उन दोनों प्लेन के, उन दोनों के जिस प्लेन में वो एग्जिस्ट करते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर तो है ही, और जिस प्लेन में वो एग्जिस्ट करते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के भी परपेंडिकुलर है। यानी ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी एज वेल एज द प्लेन इन विच बोथ द वेक्टर्स एग्जिस्ट। क्लियर हो जाती है बात? बी क्रॉस ए करोगे तब भी ऐसे ही। चलो ठीक है, चल चल चल, बहुत बढ़िया। देखो यार, अब यहां पर क्या है, इफ इफ थीटा इज जीरो, अगर एंगल जीरो हो जाए, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं यहां पर, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी ए बी ए बी साइन जीरो, यानी कि जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम लाइन के अलोंग है, डॉट में क्या होता था, मैक्सिमम आता था इन टू बी, और यहां पर जीरो, और इफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू साइन 90 विच इज 1, और ये एन कैप जो डायरेक्शन आएगी वो तो आएगी सीधा इंटू बी। समझ में आ रही बात? अब इसी को हम वैसे ही अप्लाई करते हैं जो हमारे यहां पर ये आई कैप जे कैप और के कैप थे। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करके देखते हैं, इसके लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो जाती है, यहां पर डॉट नहीं करना, क्रॉस करना, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू के क्रॉस के, या फिर अगर मैं बात करूं जे क्रॉस जे, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनके बीच एंगल जीरो, साइन जीरो, तो ये चीज यहां से नक्की निकल आती है। अब समझना है, अब समझना, अब मैं करना चाह रहा हूं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, अब देखना, अब प्रैक्टिकली फील करना, ये आई जो है बेटा, आई और जे आपकी स्क्रीन के प्लेन में है और के स्क्रीन के प्लेन से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, आई और ये जे और के बाहर निकला हुआ है, तो अब आई क्रॉस जे, आई में ये फिंगर्स क्रॉस जे, तो किधर निकला, स्क्रीन से बाहर, यानी कि के कैप, तो आई क्रॉस जे में क्या आ जाएगा बेटा, के कैप आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं करता हूं जे क्रॉस के, ये
यानी कि जे ऊपर है, के बाहर की तरफ है, तो जे क्रॉस के, है ना, जैसे तुम्हारी स्क्रीन में देखो तो वैसा है, जे ऊपर के बाहर, तो जे क्रॉस के इधर, यानी कि जे क्रॉस के किधर आ गया, ये हाई की तरफ आ गया, तो ये हाई क्या, करके देखो खुद से ट्राई करके देखो। फिर मैं करता हूं यहां पर के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई, अब के है बाहर की तरफ, ठीक है, मेरे स्क्रीन में इधर बाहर की तरफ, तुम्हारे उधर बाहर की तरफ, देख लेना, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, ये ऐसा राइट का इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि यार हाथ टेढ़ा हो गया लेफ्ट ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा, तो के क्रॉस आई ऊपर की तरफ, यानी जे क्या, जे क्या। और अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऐसा जा रहा है, बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि डायरेक्शन एकदम चेंज हो गई है। तो यही अगर मैं जे क्रॉस आई कर देता हूं तो ये माइनस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। यही अगर मैं के क्रॉस जे कर देता हूं तो ये माइनस आई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एकदम ना, ये आई क्रॉस के कर दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस जे। डॉट में ऐसा नहीं होता क्योंकि डॉट में डायरेक्शन नहीं है ना, डॉट में डायरेक्शन नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में भैया आप अगर ए डॉट बी कर रहे हो या बी डॉट ए कर रहे हो, दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस में दिक्कत हो जाती है, क्रॉस में दिक्कत हो जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी आपने किया तो इट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, चलो चलो चलो। अब देखो यार यहां पर देखो, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो जे करोगे तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिल जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज देखो, आई क्रॉस जे के मिला, फिर जे क्रॉस के क्या मिला, आई मिला, के क्रॉस आई, ये जे मिल गया वापस, ऐसा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चल रहा है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चल रहा है। वही बच्चों हम नहीं मान रहे क्लॉकवाइज, हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, यानी कि आई क्रॉस जे जाते हो, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, एक्चुअली आई क्रॉस के माइनस का जे मिलेगा इधर, जे क्रॉस आई जाते हो, जे क्रॉस आई जाते हो, ये जे क्रॉस आई माइनस का के, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन चले गए तो नेगेटिव, और क्लॉकवाइज चले गए तो पॉजिटिव, ये चीज है यहां से, ये चीज है, क्लियरिटी है, क्लियरिटी है, बहुत बढ़िया, चमक रहा है ना सब, क्रॉस प्रोडक्ट, श्योर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब देखो यार क्या हो गया यहाँ पर, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात हमने कर ली, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर ली, सेम लाइन के अलावा होगा जीरो होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर अगर होता है तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज मिलता है, और जो रिजल्ट आते हैं भैया क्रॉस प्रोडक्ट के, वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज भी क्लियर हो जाती है। अब यहां से देखो यार, अब हर बार ऐसा तो नहीं होगा, हमको ऐसा तो दिया रहेगा ना, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो गया। अब यहां अगर कोई हमको करने को कह दे ए क्रॉस बी, ओहो ओहो बहुत भारी मामला हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, अरे कहां जा रहे हो भैया, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, इसका क्रॉस करना अपने को किसके साथ में, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही तरीका कि ए से बी एक्स का होगा और आई क्रॉस आई होगा, फिर ए वाई का जे से होगा और यहां पर भी इस तरह से क्रॉस होगा, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यानी कि क्या है, पूरा का पूरा यही सेटअप होगा, कहां गया ये रहा, ये सेम टू सेम होगा, बस जहां डॉट नजर आ रहे हैं ना वहां क्रॉस हो जाएगा, जहां डॉट नजर आ रहे हैं वहां क्रॉस हो जाएगा, दैट्स इट। और आई क्रॉस आई करेंगे तो वन हो जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना, लेकिन वो सारा 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 डेरिवेशन अपने को नहीं करना है, क्योंकि हर बार ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर क्या रिजल्ट निकला था कि एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई कर दिए वाई वाई और जेड जेड, ठीक है, ऐसा ही कुछ रिजल्ट यहां पर भी निकलता है ना, लेकिन सीधा रिजल्ट की यहां पर बात करेंगे, सीधा रिजल्ट की, तो वो रिजल्ट कैसे कंक्लूड किया जाता है, चलो उस रिजल्ट पे जाने से पहले एक दो बातें बता देता हूं। देखो यहां पर क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर रिजल्ट होगा, जैसे ये ए बी है तो ये ए बी के परपेंडिकुलर आया, ए क्रॉस बी, और यही बी क्रॉस ए हो जाएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉमिटेटिव, ये मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा, ये मैंने आपको अभी बताया ही था,
इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, वो यहीं से देख लो, ये एन ऊपर है नीचे को जाएगा ऐसे। फिर है वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज स्ट्रिक्टली मेंटेन। ऑर्डर मेंटेन करना है, कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी, तो ये इसमें आप कॉम्यूटेटिव कर सकते हो जो अभी मैंने बताया ना वैसे, यानी कि ए क्रॉस बी चले जाएगा प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा, है ना, सॉरी फिर प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते यार कि आपने यहाँ पर बी क्रॉस ए लिख दिया या सी क्रॉस ए लिख दिया, नहीं डॉट में कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये भी चलो यार बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं होता कि अगर दो वेक्टर्स जो है सेम लाइन के अलोंग हैं तो वो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। अब ये देखो दोनों का लाइन सेम ही है, लाइन सेम ही है, डायरेक्शन सेम ही है, यहां पर भी लाइन सेम ही है लेकिन डायरेक्शन बस 180 से रिवर्स हो गया, तो इनको तो कहते हैं हम पैरेलल और इनको कहते हैं एंटी पैरेलल। यानी कि अगर माइनस लगा दिया जाए किसी भी वेक्टर के तो वो दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो जाएंगे, भैया ऐसा था ऐसा हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल बात है। चलो अब यहां देखो, ये द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ वैनिशेस, यानी कि नल वेक्टर। ये क्या मतलब है सर, क्या बात कह रहे हो, ये समझा दो फटाफट से। तो समझा देते हैं, यहाँ पर एक आइटम आया नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ये क्या कहता है, अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडेफिनेट अनस्पेसिफाइड। क्या मतलब है, देखो यार सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि दो वेक्टर का मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, और थीटा उनके बीच में क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो गया भैया, ए बी साइन जीरो, यानी कि आ जाना चाहिए जीरो, ठीक है जीरो आ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और हमने ये बात करी कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। तो बस इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए जबरदस्ती एक वेक्टर क्रिएट कर दिया गया जिसका नाम है नल वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर है वैसे ही है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं, क्योंकि जब कुछ रिजल्ट आया ही नहीं तो क्या है डायरेक्शन, तो भाई इसको नल वेक्टर कहते हैं। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं देखने सुनने को मिल जाए तो घबराना नहीं है, है ना, कि भैया क्या नया आइटम आ गया, कुछ नहीं। नल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। बस टू जस्ट मेक श्योर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मैथमेटिक्स आर बीइंग फॉलोड, कि भैया वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर आना चाहिए, तो भैया इसको कह दो नल वेक्टर, ठीक है और कुछ नहीं। तो ये देखो वही कहा होगा, ए क्रॉस ए किया यानी जीरो, ये नल वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर के बारे में हम बात ही कर ली कि आई क्रॉस करो जे क्रॉस जे करो के क्रॉस के करो, जीरो आएगा, कोई नहीं बात नहीं। अब देखो यार मैं जो कह रहा था कि क्रॉस करने पर जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आता है, है ना, ये क्या कहानी है सर, ये क्या कहानी है। देखो सिंपल है, सिंपल है, मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको क्या करना होता है। मैं देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, ये आपको क्या करना है, जब ए क्रॉस बी आप करना चाह रहे हैं बच्चे, ए क्रॉस बी आप करना चाह रहे हैं, तो आपने ये इस तरह से एक ये बॉक्स बनाया, यहाँ लिख दिया अपन ने आई कैप, यहाँ लिख दिया जे कैप और यहाँ लिख दिया के कैप। अब पहले कौन सा है, पहले ए है, तो पहले ए के सारे कोएफिशिएंट, आई वाला कौन सा है ये इसके नीचे लिख दो, इधर वाई वाला कौन सा है ये इसके नीचे लिख दो, इधर जेड वाला कौन सा है ये इसके नीचे लिख दो। अब क्रॉस बी के साथ करना, अब ये बी वाले लिखना, ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब आ जाओ अब मेरी बात गौर से सुन, मेरी बात गौर से सुन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई कैप और बना दिया ब्रैकेट। अब जब मैंने आई कैप लिख दिया ना बेटे, जब मैंने आई कैप लिख दिया तो मुझे क्या करना है कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इन दोनों को भूल जाना है। क्या मैंने आई कैप लिया, ये मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट था ये वाला, ये आई मैंने लिया, तो अब मैं ये आई के साथ में जो कॉलम बन रहा है और रो बन रहा है इन दोनों को मैं भूल जाऊंगा। अब मेरे पास बचे सिर्फ ये चार एलिमेंट, क्या बचे, चार एलिमेंट। अब चार एलिमेंट का करना है आपको मल्टीप्लाई क्रॉस में, है ना, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मतलब क्रॉस में, ठीक है, कैची मल्टीप्लाई करना है, ठीक है कैची वाला, ठीक है। और शुरू करना है राइट से, जाना है लेफ्ट में, यानी कि ये ऐसा, ये मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए वाई इंटू बी जेड, है ना, इनको आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ए वाई बी जेड या बी जेड ए वाई, और साथ में बीच में लगाना है माइनस। अब ये दोनों होंगे तो ये बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई, जैसे भी आपको लिखना है, ये हो गया, समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब इसको इसको हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब अगला वाला उठाएंगे, अब अगला वाला उठाएंगे और अगला वाला है जे, और जब अगला वाला उठाओगे तो एक माइनस जरूर लगाना है, जब बीच वाला होगा जो कि जे होगा उसमें माइनस लगाना है आपको। अब क्या करो, आपके पास क्या था, आपके पास क्या था, ये था जे। अब जे का ये वाला कॉलम भूल जाओ और ये पूरी रो भूल जाओ, ठीक है। अब क्या बच गए, अब ये चार एलिमेंट बचे हैं आपके पास,
अब क्या बच गए? अब ये दूसरे चार एलिमेंट बचे। कौन कौन से चार एलिमेंट बच गए भैया आपने पास में? हमारे पास बच गया ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यहां से जाएंगे इधर को और यहां से आएंगे इधर को, ये बीच वाला तो भूल गए ना अपन, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स या बी एक्स ए जेड, जैसे भी लिखना, ठीक है। अब तीसरा वाला एलिमेंट पर आएंगे, अब तीसरा वाला एलिमेंट पर आएंगे साहब, और तीसरा वाला कौन सा बाबू? तीसरा वाला है के। तो अब ये के वाला ये पूरा लो भूल जाओ, और ये वाला कॉल ये भूल जाओ। अब क्या बच गया? अब ये पहले वाले चार बच गए, पहले वाले चार बच गए बच्चे अपने यहां से, क्या पहले वाले चार बच गए। अब माइनस नहीं लगाना है, अब माइनस नहीं लगाना, जैसे अपन ने आई में माइनस नहीं लगाया, जे में लगाया, अब के में भी नहीं लगाना, सिर्फ बीच वाले में लगाना होता है। तो ये के आएगा यहाँ पर, प्लस तो रहेगा इसे, माइनस नहीं लगाना, प्लस के, ये नीचे लिख रहा हूं मैं, सेम लाइन में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये चार बचे, तो अब ये बी वाई ए एक्स है ना, ए एक्स बी वाई, बी वाई ए एक्स, जैसे भी लिखना है, माइनस ये इन दोनों का आप क्रॉस, ठीक है। तो बी एक्स ए वाई, तो जब ये कैची वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस जरूर आएगा बीच में हर बार, और ये जब जे उठाया है तब माइनस आएगा, बाकी नहीं आएगा, ये चीज है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट खतरनाक सा दिख रहा है, नहीं है खतरनाक, नहीं है, सिंपल है, देखना अभी करके बताऊंगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। ये देखो यहाँ वही किया हुआ है, ये देखो अब इसने क्या अलग अलग बताया हुआ है कि भैया आपने पहले आई लिया, आई लिया तो आई वाला ये और ये छोड़ दो और सिर्फ ये चारों उठा लो, तो ये चारों उठा ली भाई ने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद आपने क्या लिया साहब? जे लेना है, तो जे के साथ माइनस आएगा, जो मैंने बताया था माइनस आएगा, फिर इनको भूल जाओ। अब ये चार उठाने हैं बस, ये चार उठा ले भाई ने, ठीक है। अब उसके बाद के वाला लेना बाबू, तो के वाले में क्या है? ये वाला कॉलम ये वाली रो भूल गए हम, ये वाला कॉलम ये वाली रो भूल गए, ये चार बचे एलिमेंट, ये चार एलिमेंट लिख लिए, यहाँ प्लस आया माइनस नहीं आया, ठीक है। अब क्या करना है? ये अलग अलग से आपने यहाँ पर बना लिया बॉक्स, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, और बीच में माइनस, तो ये देखो यार ये, ठीक है, इसका इससे बीच में माइनस। अब इसने क्या किया यहाँ पर? एक्चुअली ये माइनस वाला अंदर ले गया बस, तो ये रटना नहीं है, ये रटना नहीं है भैया, ये रटना नहीं है, आपको हर बार ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, समझ में आ जाती बात। देखो अभी कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, है ना। अच्छा पहले कुछ यहाँ पर और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, इनको पकड़ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट ए इज इक्वल टू, क्या इसका आंसर आएगा बेटा? बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि ए और बी का तो क्रॉस कर लो आप, मान लो कि ये आपका ए यहां पर है और ये बी यहां पर है, ए क्रॉस बी हम करेंगे तो क्या आएगा? इनके परपेंडिकुलर में, जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर में आएगा ए क्रॉस बी, ये इस डायरेक्शन में कहीं आएगा आपका एन क्या, या सीधा सीधा कहूं तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में क्या है? ए क्रॉस बी। अब मैंने आपको बताया कि यार ए क्रॉस बी जो आया है वो तो ए के भी परपेंडिकुलर है और इधर बी के भी परपेंडिकुलर है, ये ए है साहब, ये बी है आपका, ए क्रॉस बी की है ये, तो ये ए के भी परपेंडिकुलर है बी के भी, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट का, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आता है? जीरो। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है और ये ए जो वेक्टर है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? एंगल इज 90 डिग्री भैया। जब 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। पहले क्रॉस किया फिर डॉट किया, तो क्रॉस में तो जो भी आना है वो आ जाएगा, लेकिन हमें सीधा सीधा ये पता है कि जो भी आएगा भैया वो ए के परपेंडिकुलर ही आएगा, यानी कि उसका जब डॉट करेंगे ए के साथ तो जीरो आएगा, सिंपल। देखो क्या कह रहा है, ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ है ना, बाहर वाली डायरेक्शन को आप डॉट से दिखा सकते हो और अंदर जो होती है इनसाइड द प्लेन वो क्रॉस से दिखा सकते हो। तो बाहर का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन के बाहर है भैया ये ए, वर्टिकली अपवर्ड, एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये आपका उधर नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और बी है आपका टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऐसा, ये बी ऊपर की तरफ, बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये कह रहा है ए क्रॉस बी किधर करेगा, तो देखना बाहर की तरफ ए है मेरा, इधर मेरे लिए बाहर, आपके लिए उधर, ठीक है, तो ये ए, ठीक है, और बी मेरा नॉर्थ, ए क्रॉस बी ये इधर की तरफ, तो जो रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी का, वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन, ये आएगा ए क्रॉस बी, और ये डायरेक्शन कौन सी? वेस्ट, तो अलोंग वेस्ट, क्लियर है। सिर्फ ये क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा बता रहा था। हाँ अब यहाँ आ जाओ यार,
यहाँ देखो ये कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा क्रॉस आर। ये हमने पढ़ा नहीं है एंगुलर मोशन वगैरह, आगे पढ़ेंगे सब मैकेनिक्स में, बट क्या यहाँ पर उसने दे दिया है भैया ओमेगा क्रॉस आर आपको करना है, ओमेगा का वैल्यू दे दिया, आर का वैल्यू दे दिया, कहानी खत्म है। अब आपको यहाँ पर जो वी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले अगर मुझे वी वैक्टर चाहिए तो ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर हमें करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो करो भैया, बना दो डब्बा, ये आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन बता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू लिख दो, यहाँ पर वन था, यहाँ माइनस टू था, विद साइन लिखना है भैया, और यहाँ टू था। अब आर, आर में क्या है आई कैप तो है नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो मान सकते हो ना, आई कैप नहीं है ना इसमें तो जीरो। ये फोर वाला जे कैप है और ये माइनस थ्री वाला के कैप। ये अब देखना बेटा, अब सबसे पहले ये आई कैप मैंने यहाँ लिया, अब मैं इसको भूल जाऊंगा, अब मैं सिर्फ इनको ध्यान रखूंगा, इनको ध्यान रखो, मैं आपके लिए पूरा डिटेल में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना आपको डायरेक्ट करना होगा प्रैक्टिस के बाद। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना क्रॉस में, तो माइनस माइनस टू इंटू माइनस थ्री, और बीच में माइनस लगेगा। अब ये फोर इंटू टू, तो फोर इंटू टू ये आई वाला हो गया। अब माइनस के लिए जे, अब जे में माइनस लगता है, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला भूल जाएंगे। अब ये चार एलिमेंट बचेंगे, राइट से शुरू करना है, कभी ये कंफ्यूजन मत कर देना। तो माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री इंटू वन, माइनस जीरो इंटू टू, तो ये तो जीरो ही होगा, प्लस के कैप। अब यहां देखो बच्चे, ये के, ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, अब ये चार एलिमेंट बचे, तो फोर इंटू वन माइनस जीरो इंटू माइनस टू जीरो। अब सॉल्व कर लो यार, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना माइनस सिक्स और ये माइनस एट, माइनस सिक्स है ना, सॉरी ये प्लस सिक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सिक्स माइनस एट माइनस टू आई कैप। अब ये जे है, तो यहां पर क्या है माइनस थ्री वन, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री जे कैप, और ये कितना बच गया भाई साहब, फोर के कैप। तो ये तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, लेकिन भैया ने पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हम निकालना सीखेंगे यार अभी इतनी मेहनत से, है ना। ये क्या हो गया, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया सिक्सटीन और ये नाइन, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव अंडर रूट ट्वेंटी नाइन, तो ये अंडर रूट ट्वेंटी नाइन, ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया जबरदस्त, ठीक है। चलो तो अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला हिसाब क्लियर हो गया। देखो इसमें इसमें एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये बार लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट थ्री ए डॉट बी, तो थीटा का वैल्यू बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कह रहा है ना वैसे कर दो। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन एम क्या आता है उसको तो हटा दो, कोई लेना देना है नहीं, और यहाँ है रूट थ्री। अब a डॉट बी को कैसे लिखते हैं, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। अब ये a b से a b निपट गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री का आता है जब थीटा 60 डिग्री, सिंपल बहुत सही। चलो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा देन b क्रॉस a डॉट a, ये भी आ गया भैया, दो बार आया हुआ है, एक बार वहां आया हुआ है, तो जीरो। अभी वही क्वेश्चन है जो पिछला बताया था, भैया b क्रॉस a करो या a क्रॉस b करो, जो रिजल्टेंट आएगा वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो दोनों में से किसी के भी साथ डॉट करोगे तो जीरो ही आना है, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ एक दो पॉइंट्स आपको बताता हूँ, देन वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर बढ़िया लग रहा होगा यार, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। वेक्टर्स पर मैंने इसलिए ध्यान दिया है क्योंकि हमारा फिर मोशन चल रहा है, तो मैंने कहा वेक्टर पहले बढ़िया से सिंसियरली निपटा देते हैं, इसलिए पूरा फोकस के साथ हम पढ़े हैं यहाँ पर, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की पूरी बातें करी हमने, पूरा लेक्चर में आपको कॉन्टेंट कॉन्टेंट और कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है बेटा। तो ये वेक्टर यहाँ से आपका जबरदस्त हो जाएगा यार, इनका एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना है, और जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कि आपके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उन्हें आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करना होगा, हर चीजों को मैथमेटिकली देखना शुरू करना होगा, इक्वेशंस की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, कैलकुलस की फॉर्म में, जो भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है और वेक्टर में सीखा है। तो जब इस तरीके से हम देखेंगे ना तो क्वेश्चन में हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। वो जो टिपिकल प्रॉब्लम है बच्चों की कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसका इलाज यही है बेटा, ठीक है। चलो कह रहा है थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर, इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर देन देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो। क्या कहने का मतलब है, देखो कोप्लेनर का मतलब होता है कि अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में है तो वो कोप्लेनर है, जैसे दो वेक्टर एक ही प्लेन में है दोनों कोप्लेनर है, तीनों एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर है। प्लेन क्या होता है, ये रहा प्लेन, ये प्लेन है सब, इसमें वेक्टर है एक दो तीन दस जितने भी है सब कोप्लेनर हो जाएंगे, चाहे उनका ओरिएंटेशन कैसा भी हो किसी भी एंगल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है ना, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है तो उनका रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं हो सकता। देखो समझाता हूं, मान लो कि दो वेक्टर्स जो है वो एक प्लेन में है ना, ये बात तो तय होगी कि तीन कोप्लेनर नहीं है, तो यानी कि
एक तो बिल्कुल नहीं होगा ना, ये है मान, ये है, दो वेक्टर है, और तीसरा जो है ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, समझना ध्यान से, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको कहा कि दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, बचा जो तीसरे का, उस जो भी आएगा वो तीसरे के साथ उसका रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब समझना बात को, अगर हमें वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो करना है, सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, इस तरह का कुछ होना चाहिए, तो आप दो वेक्टर किसी भी प्लेन में कैसे भी ले लो, कैसे भी ले लो, आपकी जैसे मर्जी, ये दो ले लो, ये दो ले लो ना, या ऐसे ले लो, ऐसे बना लो, ये ऐसे पास पास बना लो, बिल्कुल अपोजिट बना लो, है ना, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे बना लो। कोई भी दो वेक्टर आप प्लेन में बनाओगे, मैं इस तरह से अभी फिलहाल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये दोनों प्लेन में आपने वेक्टर बनाए साहब, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इनके बीच में कहीं ना कहीं इसी प्लेन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे तीसरा वेक्टर ऐसा चाहिए जो इसको जीरो कर दे टोटल मिलाकर के, तो तीसरा वेक्टर मुझे ऑब्वियसली इसके एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ेगा डायरेक्शन में, तभी तो ये टोटल मिलाकर के जीरो होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि तीसरा कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि तीनों कोप्लेनर नहीं है, तो कम से कम एक को तो आउट ऑफ द प्लेन होना पड़ेगा, तो तीसरा जो है वो आउटसाइड द प्लेन आएगा ही आएगा उसका कॉम्पोनेंट, यानी कि उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। मान लो ये आर वैक्टर ऐसा है इस प्लेन में, ये आर वैक्टर ऐसा, ये आर वैक्टर है ब्लू वाला, आर वेक्टर है इस प्लेन में, और ये जो है ये आर क्या है, पहले वाले दोनों का रिजल्टेंट है, समझना। अब ये तीसरा मैंने ले लिया, इट इज नॉट इन द प्लेन, इस प्लेन में नहीं है, ये प्लेन में थे दोनों, उनका रिजल्टेंट है, इस प्लेन में ये नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट आ सकते हैं, ऐसा है मान लो, एक ये आ गया और एक परपेंडिकुलर, ये वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर इस परपेंडिकुलर वाले को कौन करेगा, है ना, यानी कि हमेशा 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 कोई ना कोई कंपोनेंट वेक्टर का ऐसा बचेगा जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा और जिसे कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अगर तीनों को आपने, तीनों का समेशन रिजल्टेंट जीरो करना है, तो भैया कोप्लेनर तीनों होने ही चाहिए, क्लियर हो जाती बात। तो तीन वेक्टर का अगर समेशन जीरो है, मतलब तीनों कोप्लेनर है, ये बात आप डैम श्योर कह सकते हो, ठीक है। और इसको ऐसे भी थोड़ा और बल मिलता है इस बात को, इस पॉइंट से, कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन, कि दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन में है ही है, इसीलिए तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है दो वेक्टर का वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर हो गया। अब दो वेक्टर हमेशा प्लेन में है, ये बात कहां तक सत्य है, कैसे सत्य है, देखो ये दो वेक्टर हो गए, ये मैंने लगा दी किसी भी ओरिएंटेशन पर, अब ये देखो ये एक प्लेन में है कि नहीं है, अब मैं इसका ओरिएंटेशन बदलता हूं, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये वाला मैंने वहीं रखा, ये वाला वहीं रखता है, इसका ओरिएंटेशन अभी भी एक प्लेन में, वो बात अलग है कि आपका प्लेन बदल जाएगा, लेकिन होंगे एक कॉमन प्लेन में आ जाएंगे। ये देखो ये इस कॉमन प्लेन में आ गए, आ गए, अब फिर से ओरिएंटेशन बदलने हैं, देखो आप इसका बदल दो, ये ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये फिर से एक प्लेन में आ गए, ये आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, तो वो प्लेन में आ जाएंगे। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बेटा। तो यार ये सारी बातें हमने कर ली है वेक्टर्स के बारे में, और अब वेक्टर में कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल हम आगे 11th और 12th के पूरे सिलेबस में करेंगे, और जो मैंने नहीं बताया, जो जो मैंने बताया है इतना बहुत है, मोर देन इनफ है आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इनका एप्लीकेशन हमें प्रैक्टिस करना है, और वो जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम करेंगे, और इसका रेफरेंस बनाए रखना है, ये मैं आपको रेफरेंस देता रहूंगा बेटा बार बार, कि बेटा हमने वहां ऐसा किया था, देखो वहां ऐसा हमने जो है कंपोनेंट किया था, डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये बात सीखी थी, क्रॉस के बारे में ये बात सीखी थी, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली है बच्चों, तो आपने इस पर नजर बनाए रखनी है। और मैंने जैसा कहा कि हमेशा आपको बैक ऑफ द माइंड कुछ समय के लिए बेसिक मैथमेटिक्स और वैक्टर्स को लेकर के चलना है, # बचपन का प्यार, क्योंकि क्या होता है शुरुआत में, अभी हम जब जैसे जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं नीट के बच्चों की बात कर रहा हूँ यार, इसलिए मैं मैथ्स के बच्चों की बात नहीं कर रहा, उनका अलग सीन है, अपने को नीट की बात करनी है। तो नीट में क्या होता है ना कि बच्चे आपको स्टार्टिंग में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे इन सब चीजों को कैरी करने में, जो चैप्टर्स चलेंगे उनके साथ, लेकिन आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा कॉन्शियसली कैरी करोगे, तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आप जब भी क्वेश्चंस करोगे ये चीजें आप अपने आप अप्लाई करने लगोगे। ये नेचुरली नहीं आएगा इनिशियली ना, हर बच्चे के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, कि हर क्वेश्चन में हम देखेंगे वेक्टर का क्या रोल है, या बेसिक मैथमेटिक्स का क्या रोल है, क्या किस तरह से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुला लगा करके ये सिंपल हो जाएगा, कहीं डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, कहाँ डिफ्रेंसिएशन करके काम हो जाएगा, कहाँ ग्राफ का स्लोप देख सकता हूँ, कहाँ एरिया अंडर द कर्व से काम हो जाएगा, तो ये नजर बनानी होगी हमें,
और इसके लिए हमें ही मेहनत करनी होगी और ये हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ बच्चों और मैं आपको इस चीज के लिए पिंच करता रहूंगा, बीच बीच में जब भी क्वेश्चन आएंगे, नए चैप्टर चलेंगे, मैं रिकॉल करवाता रहूंगा हर चीज। उसके लिए जरूरी बस ये है कि जो अभी तक लेक्चर्स हो गए हैं वो जल्दी से देख लें आप, अभी नए भी ज्वाइन किए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक मैथमेटिक्स हुआ है, वेक्टर्स हुआ है, मोशन हमारा चल रहा है, मोशन की एक दो लेक्चर ही हुए हैं, बहुत बेसिक बातें उसमें करी है, क्योंकि बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं ताकि हर बच्चा जो तैयारी करने का सोचता है, जो सोचता है कि नीट का एग्जाम में क्रैक करूंगा, उनके लिए फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है और कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, बहुत बहुत शेयर करें और मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर लें, अनअकैडमी की ऐप पर जाकर के फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर। अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।